गोविंद वॉइस ठीक है? ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा एक बार, स्टूडेंट्स अगर कुछ बोलते हैं तो। सो टुडे द वेरी फर्स्ट क्लास, आज हमारा बहुत ही स्पेशल डे है, बिकॉज हमारा जो एक तरीके से तथास्तु का पहला कोर्स स्टार्ट हो रहा है, डिसाइड दिस क्या कहते हैं, फिलोसफी। सो इन टूडेज क्लास ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, वी विल बी स्टार्टिंग विद द एनसीईआरटीज, राइट? एनसीईआरटीज में भी कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे? सो दैट इज द हिस्ट्री। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना? इस बार का आप लोगों ने पेपर देखा कैसा रहा? हाउ इज इट, पेपर देख करके कैसा लग रहा है? टफ था? एंड ओनली वॉट अबाउट दिस हिस्ट्री पार्ट, हिस्ट्री पार्ट को देख के क्या लगा? हाँ, यूजुअली यूपीएससी एक्चुअली करती क्या है कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती थी, राइट? एंड ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने क्या किया, एंशियंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए। दिस इज व्हाट हैपेंड। स्पीकर गोविंद, स्पीकर्स में आवाज़ नहीं आ रही, चेक कर, चेक करो। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, कि इसका जो पैटर्न है वो बेसिकली कैसा था, कैसा है, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन एक बार जो है हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी मॉड्यूल है वो कैसा है, कि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा दैट हाउ दिस इंस्टीट्यूट विल बी गोइंग फॉरवर्ड दिस एनसीईआरटी। ओके, हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ एनसीईआरटी के लिए ही हो यहाँ पे, हो सकता है पूरे कोर्स के लिए हो यहाँ पे, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट, सो कहाँ है एनसीईआरटी? ये गोविंद, वेयर इज पीडीएफ? ओके, सो दिस एनसीईआरटी इज मॉड्यूल। सो इन दिस मॉड्यूल वी हैव गिवन कि वी विल बी कवरिंग 57 बुक्स। ओके, तो पहले तो सुनते थे कि 52 बुक्स, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। सो ऑल ऑफ यू आर न्यू टू दिस यूपीएससी, या फिर पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं? एनीवन? कोई सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं? ओके, तो अच्छा है, नए नए माइंड में कुछ डालना इजी रहता है, अदरवाइज वो पहले से जो ओरिएंटेशन रहती है ना दिमाग में, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। एज ऑफ नाउ यू मस्ट हैव हर्ड 52 बुक्स कवर करने होते हैं, जिसमें से वेरियस सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एंड दिस साइंस पार्ट इज ऑल्सो देयर, वेरियस अदर पार्ट्स आर देयर। सो कौन कौन से बुक्स कवर करने हैं अलॉन्ग विद दिस थिंग? मैं तो इतना जरूर कहूंगी, दो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग यहाँ पे, बट स्टिल आप लोग अपनी तरफ से भी पढ़ो। ओके, ऐसा मत सोचो कि नहीं हो गया, जैसे कि आजकल एवरीवेयर लॉट्स ऑफ न्यूज एनालिसिस आर देयर ऑन यूट्यूब चैनल, तो सब लोग देख लिए ना, मेरा काम खत्म, इट्स लाइक कि बोझ खत्म हो गया, हटा दिया, एक वर्क डन, एक टिक कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, यू हैव टू रीड। ओके, दो वी विल बी डूइंग इन द क्लास इटसेल्फ। चलो, तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि कैसे कैसे क्या चीजें होंगी। ये तो मेरे ख्याल से मैंने अपना जो डेमो था उसमें आई हैड शोन दिस थिंग। ओके, सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट स्टिल हिस्ट्री के जो 2015 से लेके 21 तक का आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस थे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी। फॉर द ज्योग्राफी ऑल्सो यू कैन सी पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट पिक्चर लुक्स लाइक। एनसीईआरटीज यू कैन नॉट एलिमिनेट। लास्ट टाइम इन आर डेमो क्लास ओनली आई टोल्ड यू कि ज्योग्राफी में किस हिसाब से क्वेश्चन थे। तो पहले लाइक इफ देयर आर टू स्टेटमेंट, सो इन वन स्टेटमेंट एनी स्टैटिक फैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अनदर वन फ्रॉम द करंट अफेयर्स बेस्ड, इस तरीके से ज्योग्राफी में उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए थे। सो व्हाट डज इट मीन, क्या लगता है इससे? आपको जो है करंट अफेयर्स पे तो फोकस करना ही है, एंड प्लस जो स्टैटिक पोर्शन है उस पे भी यू हैव टू कीप एन आई। एंड ज्योग्राफी की जहां तक बात आती है, अगर आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, आपका ज्योग्राफी इज डन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द ज्योग्राफी। जो भी चीजें आती है, जैसे एवलेंचेस कभी न्यूज में है, साइक्लोन न्यूज में है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उसका कैसा फॉर्मेशन है, क्या कैसे होता है, रीजंस, तो उसको एक बार फिर बार बार जो है उसको रिवाइज करते रहना, ताकि वो चीजें जो है दिमाग में रहे, फैक्ट्स। ओके,
दिस वॉज हाउ द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी वॉज पुट फॉरवर्ड. एंड व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री, हिस्ट्री में इस बार एंशियंट से ज्यादा क्वेश्चंस थे. ओके, एंड एंशियंट से सबसे ज्यादा डर भी लगता है. क्यों लगता है? हालांकि हिस्ट्री में तो बहुत ये तीन पार्ट्स हैं, मोर स्पेसिफिकली एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. एंड एक और पार्ट वैसे हिस्ट्री का ये है आर्ट एंड कल्चर, बट इसको हम सेपरेटली कवर करते हैं. ओके, सो एंशियंट से व्हाई पीपल आर सो मच स्केयर्ड, फैक्ट्स एंड व्हाट, एनीथिंग एल्स? मुझे तो लगता है कि फैक्ट से ज्यादा जो डिफिकल्ट नेम्स होते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो थोड़े संस्कृत वर्ड्स रहते हैं इस वजह से. सो फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. पहले तो उसको समझो कि उसका मीनिंग क्या है, एंड देन कीप ऑन रिवाइजिंग. ठीक है, आपको इस क्लास से किस तरीके से चीजें लेनी है अपने में, ठीक है, दिमाग में डालना है, उसके बाद उसको किस तरीके से रिवाइज करना है, दैट ऑल्सो आई विल लेट यू. ओके, यूजुअली यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो मॉडर्न पार्ट से पूछती है, विच इज एवरीवन्स फेवरेट आल्सो, एंड दैट इज क्वाइट इजी आल्सो. दो इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिस एंशियंट एंड दैट ऑफ द मेडिवल. तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ये आया वो गया, क्या आया क्या नहीं गया, कौन से ईयर में क्या चीज हुआ एंड ऑल एवरीथिंग. सो यू नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, राइट? सो एंशियंट, एंड अभी इस बार जो है यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए मैम एंशियंट से. यूपीएससी ने ऐसा तो कभी नहीं कहा ना दैट वी वोंट बी आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एंशियंट पार्ट, राइट? सो दे हैव गिवन इट इन द सिलेबस. सो इफ इट इज देयर इन सिलेबस, इट मीन्स दैट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन. सो यू आर नॉट सपोज टू टेक लाइटली एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, जो भी सिलेबस में दिया है. ऑल ऑफ यू हैव सीन सिलेबस, देख लिया ध्यान से इसका क्या मतलब है. ओके, सो सिलेबस, सबसे पहले तो सिलेबस, देन पीवाईक्यूज. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि एंशियंट से आया है, डरने की जरूरत नहीं है, वी विल बी कवरिंग इन वेरी डिटेल मैनर हियर इन दिस क्लास. व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, वी विल बी कवरिंग न्यू प्लस ओल्ड एवरीथिंग, एंड आफ्टर एवरी क्लास वी विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑल्सो. आप लोग का टेस्ट क्वेश्चंस भी जो है प्रिपेयर हो गया है, उसके लिए भी रेडी रहिए. ओके, चलो. सो आर्ट एंड कल्चर की जो बात आती है हिस्ट्री में ही, आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर यू कैन कवर इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. जो भी अपना टेक्स्ट बुक है, ये सारी चीजें मैंने डेमो में हालांकि बताई हुई है, बट स्टिल इट इज एन ओरिएंटेशन, सो आई हैव टू टेल एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन. बट यहाँ पे जब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है, द बुक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर मोर देन सफिशियंट. ओके, मोर देन सफिशियंट. एंड देर आर सम इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो दैट हु डोंट कवर दिस बुक इन वेरी थोरो मैनर, जो कहते हैं एकदम अच्छे से कवर करना, दे डोंट डू दिस थिंग, बट वी विल बी डूइंग दिस. एंड व्हाई दे डोंट डू दिस, क्यों नहीं कहते थॉरोली करते कवर? बिकॉज दे विल कंपेल यू टू बाय द फाउंडेशन कोर्स. बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि सारी की सारी चीजें तो आपकी इसी में ही कवर हो जा रही है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स. सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करो, नितिन संघानिया तो सेकेंडरी का भी सेकेंडरी है. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस एनसीईआरटी. इसमें इवन द पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोज, एवरीथिंग वी विल बी डूइंग. कल से आप लोग ने क्या करना है कि कम से कम दो तीन मैप्स अपने साथ लेकर के आने हैं, ठीक है? यू विल बी फिलिंग इट ओवर हियर ओनली. इसमें हम लोग क्लास में ही कर लिया करेंगे, ठीक है? कितने लोग हैं जो घर जाएंगे उसके बाद बोलेंगे अच्छा ठीक है फिर कभी कर लेंगे. लेट्स चेक आउट द बुक्स विच वी विल बी कवरिंग इन दिस. हमारा जो ये पूरा कोर्स है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे. सो इन द हिस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम दिस प्लस ओल्ड एनसीईआरटी वी विल बी कवरिंग. ओके, आज की क्लास हमारी ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से ही स्टार्ट होगी, राइट? सो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि Here, class 10th, themes of world history, India and the contemporary world. Two books हैं इसमें, ठीक है? And यहाँ पे ये जो class 12th है, इसमें 3 हैं. Theme 1, theme 2, theme 3. क्योंकि बाद में I know there will be a lot of children who will be counting 57 हुए कि नहीं हुए करके, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ. Okay? So इस चीज को ध्यान में रखिएगा. So this is the complete picture of this history. Now,
आर्ट एंड कल्चर क्लास 11th एंड 12th, यहाँ पे स्पेसिफिकली 9th एंड 10th लिखा है, वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दिस, लेकिन हम बाकी चीजें भी जो है वो कवर करेंगे, ओके जो भी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट लगता है. व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, अपना ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जो है उसको गांठ बांध लो, दैट मच यू हैव टू कवर. जो जीसी लियोन के पास आप लोग जाते हैं वो बहुत बाद में जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन. क्लास 11th एंड 12th की ये जो बुक है इसमें तो भर भर की चीजें हैं. इफ यू हैव सीन, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, एवरीथिंग इज देयर. बट द ओनली प्रॉब्लम इन द एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 11th एंड 12th इज दैट दे हैवंट एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग. जो भी उसमें वर्डिंग्स दिए रहेंगे वो ये सोच करके दिया हुआ है दैट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, राइट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस, दे विल सिंपली गिव यू दिस एंड इसी से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट, हाँ ये यहाँ होता है, ऐसा होता है, ये है वो है, बट दे डोंट एक्सप्लेन, देर इज नो एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दिस थिंग, ये एक्चुअली कैसा है, एंड नॉट मच ऑफ द पिक्चर्स ऑल्सो. एनसीईआरटीज में पिक्चर्स की भी बहुत कमी है व्हेन इट कम्स टू दिस ज्योग्राफी. इफ यू हैव सीन द बुक, है सबके पास एनसीईआरटीज, ओके तो प्लीज एक बार देख लेना. एंड इफ यू हैव एनसीईआरटीज कल से अपना लेकर आना, क्लास 6th का कम से कम, ओके क्लास 6th एंड प्लस ओल्ड एनसीईआरटीज यू हैव, ओके सो प्लीज ब्रिंग दैट ऑल्सो. अदरवाइज यू कैन, इफ यू हैव टैब और एनीथिंग तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो इन द क्लास, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यू कैन राइट डाउन द थिंग्स वट एवर आई बी टेलिंग एक्स्ट्रा स्टफ इन दैट इटसेल्फ, ओके. सो यहाँ पे क्लास 6th टू 12th वी विल बी कवरिंग, ओके. सो दिस इज ऑफ द ज्योग्राफी. नाउ व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, दो इट इज रिटन फ्रॉम क्लास 9 बट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम क्लास 6 टू 12, ओके. क्लास 6 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. देयर विल बी लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिनको भी कुछ ध्यान में नहीं है, दे डोंट नो मच अबाउट दिस, राइट. तो उनका पूरा बेसिक से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक वी विल बी गोइंग, राइट. सो क्लास 11 टू 12th हो गया यहाँ पे. देन इकोनॉमिक्स इज क्लास 9th टू 12th. इसमें और कुछ जो है एक्स्ट्रा और कुछ तो है ही नहीं वैसे. साइंस एंड टेक, देखिए एनसीईआरटीज आर फॉर द बेसिक्स, बट जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से बनते हैं, ओके. यहाँ पे तो आपका एक बेस बन जाएगा. तो दीज आर द चैप्टर्स इन द बुक्स वी विल बी कवरिंग, बट ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा दैट बेसिकली द क्वेश्चंस दे आस्क आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली, राइट. अब कोई इंजन हो गया या फिर जो अब पूछ लिया आपसे ये विक्रम क्या है, सो यू नीड टू नो व्हाट इज दिस विक्रम, इंजन है कि मशीन है कि क्या है, यू नीड टू नो दैट, ओके. सो व्हाट एवर इज इन द न्यूज. एनवायरमेंट, ये तो पूरा जग जाहिर है कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इसमें. क्लास 12 4 चैप्टर्स ओनली. सो एंड वी विल बी कवरिंग दिस इंडियन सोसाइटी का बुक क्लास 11th एंड 12th प्लस सोशियोलॉजी क्लास 12th. सो दिस विल बी कवरिंग, दिस वी विल बी कवरिंग टुगेदर इटसेल्फ, ओके. एंड ये जो है आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट वी आर कवरिंग ऑल दीस थिंग्स. अब यहाँ पर आई नीड टू टेल यू दैट हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग. वी वोंट बी यूजिंग एनी काइंड ऑफ पीपीटीज, व्हेन एवर नीडेड वी विल बी यूजिंग इफ देयर इज एनी नीड. देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन इन चिल्ड्रंस माइंड कि अगर हमने जो भी चीज पढ़ा दिया टीचर ने, बट स्टिल दिमाग में ना क्वेश्चन टिंकल करता रहता है कि अरे टीचर ने जो है वो पूरा एनसीईआरटी कवर किया भी है कि नहीं किया है. दिस हैपन्स, है ना, डाउट रहता है ना. वी इंडियंस हमेशा शक की दिमाग से सोचते रहते हैं चीजों से, ये नहीं कि हम खुद से भी कवर कर ले. खैर कोई नहीं. सो ये क्वेश्चन रेज होने का कोई सिचुएशन ही नहीं यहाँ पे होगा. क्यों? बिकॉज वी विल बी रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बुक. इसलिए मैंने कहा कि आप बुक्स लेकर आइए. यहीं पे जो है बुक ओपन करेंगे, चैप्टर्स ओपन करेंगे, एंड आई विल ऑलरेडी बी हाईलाइटिंग. जो भी चीजें हाईलाइटेड रहेंगी उसको आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. सारी चीजें यहीं से, ऐसा लगेगा कि आप जो है घर पे अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, ओके. सो द पीडीएफ विल बी ओपन ओवर हियर, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, जिसका जो भी चैप्टर रहेगा आई लेट यू नो कि ये चैप्टर है एंड इसमें ये टॉपिक है, हम ये पढ़ रहे हैं, ओके. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग है. तो जो क्वेश्चन है माइंड में कि हाँ जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी सारा चैप्टर में सारी चीजें कवर हो रही हैं कि नहीं, तो वो भी चला जाएगा. सो दिस इज समथिंग यूनिक विच वी आर डूइंग,
एकदम कंप्लीटली डिफरेंट बाकी इंस्टीट्यूट से. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी डूइंग द बैक क्वेश्चंस आल्सो. ये जो चैप्टर में पीछे की तरफ क्वेश्चंस नहीं दिए रहते, ओके, सो वी विल बी डूइंग दैट एज वेल. क्योंकि चैप्टर पढ़ते पढ़ते जब लास्ट में आप आओगे ना, तो फिर तब तक वो भूल जाते हो. अभी अभी देखिएगा, भूल जाओगे आप लोग. ओके, तो वो एक रिविजन हो जाएगा. वी विल बी गोइंग बैक अगेन टू दैट पर्टिकुलर पेज. फिर आपको शो करेंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके, राइट. सो बैक क्वेश्चंस हो गए. अगर कोई मेंस का क्वेश्चन बनता है इसमें से या फिर प्रीवियसली आया है, तो वी विल बी गिविंग यू दैट ऑल्सो. तो आपको वो लिखना है, ठीक है. इन स्टार्टिंग से एक थोड़ा वो हो जाएगा. अगर आप जब तक आपको नॉलेज नहीं हो, तब तक कुछ नहीं लिख सकते. बट वंस यू हैव गॉट द नॉलेज, अब आपको क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर दे दे, सपोज इफ आई एम टीचिंग यू दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको, तो मेरा फेवरेट टॉपिक है सच में, तो वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया. उसके बाद जो है, इफ आई एम गिविंग यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, राइट डाउन देयर अबाउट देयर टाउन प्लानिंग एंड लैबोरेटर वट एवर आई एम गिविंग यू. ओके, सो आई सीरियसली होप कि आप लोगों को लिखने आना चाहिए. ओके, वट एवर द वे, एक बार स्टार्ट कर दोगे तो यू कैन वेरी इजिली राइट दी आंसर्स. बस एक बार स्टार्ट करने की देर है ना. अब यहाँ पे जो है, आई हैव, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नाउ वी आर गोइंग, हाँ हाँ जी बताइए पहले आप. ऑब्वियस सी बात है, अभी जैसे मेसोलिथिक साइट था, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, करंट में जो आता है तो यू हैव टू यू नो गिव इट इम्पोर्टेंस. जब तक आपको स्टार्टिंग नहीं आएगा, तब तक आप करंट से कैसे रिलेट करोगे? ओके, सो व्हाट यू कैन डू, जैसे आपने पोर्शन डिवाइड कर लिया, सपोज पोर्शन क्या, ऐसे ए फोर शीट ले लिया आपने, राइट, एंड उसमें एक टॉपिक लिख दिया यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, एनीथिंग वट एवर कम्स इन द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन, करंट अफेयर्स में जो भी आता है आपने वहाँ पे लिख लिया. तो वो पेजेस एक जगह अपना इकट्ठा करते रखिए, यहाँ पे आपका स्टैटिक पोर्शन भी होता रहेगा एंड वहाँ से आप करंट अफेयर से लिंक भी कर पाओगे. ओके, एंड इसमें अगर सपोज आप एक कॉपी में उसी तरीके से लिखते हो, एक आपकी नोटबुक हो गई उसी में अगर आप लिखते हो, जैसे कि सपोज इसमें एक ही नोटबुक में, तो उसको आपको ना सेपरेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, राइट, विच वन इज ऑफ दैट ऑफ द आईआर का कौन सा पोर्शन आ गया, इसमें साइंस एंड टेक वाला कौन सा पोर्शन आ गया. सो इट इज बेटर टू राइट इन द शीट्स, लेकिन यही कि शीट्स को संभाल करके रखना वो चीज है जो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा. ओके, यस, क्लास 11th एंड 12th और ये हिस्ट्री की नहीं 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 हमको वो आर एस शर्मा वाली करनी है, ठीक है. तो वो जो करनी है वो आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. उतना नहीं सोचना है उतना टेंशन नहीं लेना है. लाइक एनी क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ, ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? नहीं, कमेंट सेक्शन ओनली ओपन नहीं होगा? संस्कृति, व्हाट डन? आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन द क्लास. वेर एवर यू फील कि इसको नोट्स में लिखना है एंड ऑल, तो यू कैन डू दैट. ओके, तो वी विल बी डूइंग दिस थिंग. अभी आपको आइडिया लग जाएगा, लेट्स स्टार्ट दिस, यू विल गेट एन आइडिया. बट बिफोर दैट, एक जो है थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लें कुछ चीज़ों को लेकर के. सी हिस्ट्री, ओके, एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री टू नो आर पास्ट? नहीं है, मैम बस पढ़ा दो, हम सीख लें और चले जाए यहाँ से, क्रैक कर ले कैसे करके. सी, यू नीड टू
जनरेट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट. जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको ना मजा आएगा पढ़ने के लिए, यू वोंट फील कि बहुत बोझ है सर पे हमको इसको कवर करना है करके. सो हैव इंटरेस्ट कि कैसे हमने सीखे चीजें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ा जो अमेजिंग चीज आपके दिमाग में आना चाहिए द क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट आवर पास्ट. कैसे पता चलता है भैया हमको अपने परदादा के बारे में? अगर कोई चीज पता करना पड़े तो मिलेगा नहीं, राइट? अब उतने सालों पहले, हजारों साल पहले जो लोग थे, हाउ डू वी गेट टू नो कि वो लोग क्या खाते थे ना, व्हाट दे एट, कैसे कहाँ सोते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, ऑल दोज थिंग्स कैसे पता चलती हैं? नहीं आया कभी दिमाग में? सोर्सेस हैं. हाँ, तो कैसे सोर्सेस हैं? ओके, एंड व्हाट अबाउट दो सोर्सेस जो कि मतलब जैसे कि हड़प्पन साइट या फिर उससे पहले वाले? उस टाइम तो रिटन सोर्सेस नहीं थी. हाँ, आर्कियोलॉजी. एंड आर्कियोलॉजी में भी डिफरेंट टाइप से एक्सकेवेशंस होती हैं. खनन क्या कहते हैं उसको, मतलब खुदाई करके जो है, बेसिकली आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्टली हिंदी वर्ड, बट एक्सकेवेशंस होते हैं. एक्सकेवेशंस के भी डिफरेंट टाइप होते हैं. अभी ये जो केस था राम जन्मभूमि का, उसमें भी एक्सकेवेशंस ही करके पता चला कि एग्जैक्टली वहां पर कभी क्या कोई मंदिर थी भी कि नहीं. ओके, अदरवाइज उसके बिना जो है ढूंढना, पता करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, नहीं पता चलती. ओके, सो ये जो बेसिकली हमको हिस्ट्री है वो जानना क्यों जरूरी है? एक तो जनरल पर्सपेक्टिव से, एक तो अपने इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट हो गया हमारा कि हम कहाँ से आए, क्या हुआ है, नॉट अभी तक जो नोशन है, दैट नोशन इज दैट एवरी ह्यूमन, मतलब एक तरीके से जहाँ से स्टार्ट हुए ह्यूमन, जहाँ से आना स्टार्ट हुए हैं, दैट इज ऑफ फ्रॉम द अफ्रीका. अभी ये कॉमन नोशन है कि अफ्रीका से जो है बेसिकली लोग वहीं से जो है बाकी सारी जगह जा करके फैले थे. इसको क्लोज नहीं कर सकते, साउंड को म्यूट नहीं कर सकते? ओके, सी, हिस्ट्री इन जनरल इज अ सब्जेक्ट फ्रॉम वेयर वी गेट टू नो अबाउट आर पास्ट. ठीक है, हमारा पास्ट के बारे में जान. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इसमें जो है अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क. इफ यू विल हैव इंटरेस्ट इन दिस थिंग देन डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस. बट इतना भी इंटरेस्ट नहीं लेना है कि बाद में कुछ ज्यादा, मैम अब तो हम जा करके PhD करेंगे, हमको भी आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, हमको भी जानना है. तो ये
हेलो। हेलो, सो नाउ यू आर गेटिंग साउंड। अभी इनका मैसेज चेक कर लेना बच्चों का, ठीक है? वॉइस क्लियर? गुड, चलो, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। सो आई एम फीलिंग लाइक स्कूल में जैसे माइक टेस्टिंग टेस्टिंग होता था, दैट आई एम डूइंग। खैर, यस, ओके, चलो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द चैप्टर्स विच वी विल बी कवरिंग इन द एंशियंट हिस्ट्री पार्ट। नहीं, आर एस शर्मा। अभी जो है आर एस शर्मा में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, स्टोन एज, ज्योग्राफिकल सेटिंग। वी विल बी अवॉइडिंग दिस थिंग क्योंकि बहुत सारा उसमें जो है ज्योग्राफिकल वाला चीज है। सो कल जब आप लोग मैप्स लेकर के आओगे, देन वी विल बी डूइंग दिस। ओके, मैप कल लेकर के आना, तब इसको करेंगे। फिलहाल वी विल बी डूइंग दीज चैप्टर्स एंड अलॉन्ग विद दिस वी विल बी मूविंग अहेड विद द न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, दीज टू चैप्टर्स। सो टोटल हम लोग जो है मोटा मोटा 5 चैप्टर्स करने का प्लान है। लेट्स सी कि कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड इन दिस हिस्ट्री वाला पार्ट। सबसे पहले वी विल बी कवरिंग ऑल दी चैप्टर्स रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि हमने 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, तो 10th में अगर वही चीज आई है, तो अगर हम लोग क्लास वाइज करते हैं तो व्हाट हैपेंस दैट आई वोंट बी सेइंग कि हमने वो क्लास 6th में पढ़ा था, दिमाग में दोबारा डाल लो, ठीक है, हम इसको नहीं दोबारा पढ़ेंगे। तो वो वाली चीज जो होगी वो यहाँ पे नहीं करने वाले, ठीक है। तो इससे क्या है कि एंशियंट हिस्ट्री सारा का सारा जो क्लास 6 से लेकर के 12th के बीच में है, ऑल वी विल बी कवरिंग इन वन गो, राइट। देन वी विल बी मूविंग अहेड टू दैट ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे एंड देन द सिमिलरली वी विल बी डूइंग विद दैट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, सेम चीज एंड द सेम पैटर्न वी विल बी फॉलोइंग इन दी अदर्स ऑल्सो। दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट्स है, वेर एवर एप्लीकेबल वहां पे हम ऐसा करेंगे। अब जैसे ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी हो गया, ठीक है, तो जहां जहां वो होगा वहां वहां हम एक साथ कवर कर देंगे। ओके, तो इससे क्या है ना कि आपको क्या हो जाएगा कि एक कंसाइज इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल गया, योर फ्रेगमेंटेशन वाली टाइप नहीं रहेगी। आप लोग के लिए रिवाइज करना भी ईजी हो जाएगा। वी यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, आई गेस सबको मिल गया है। ऑनलाइन पीपल, अगर आप लोग को नहीं मिला है तो प्लीज चेकआउट फॉर दिस थिंग, ये बहुत अच्छा है, इसको जरूर रीड करना। ये सारे नोट्स जो मतलब ये एनसीईआरटीज का है। इसके अलावा ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग माइक्रो नोट्स ऑल्सो। ओके, माइक्रो नोट्स जो हैं वो तनु मैम ने खुद प्रिपेयर किए हुए हैं, सो यू विल बी गेटिंग दैट ऑल्सो। सो वो एक्सक्लूसिव चीज है जो कि आप सभी को मिलेगा। आई एम ऑल्सो वेरी ईगर टू सी दैट। खैर, सो हम लोग जो है ये चैप्टर्स वी विल बी डूइंग। चलो अब हम एक एक करके चैप्टर्स जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे हैं वैसे, एज यू कैन सी 27 चैप्टर्स हैं। सो विच एवर मतलब जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा चैप्टर्स हमारे लिए वही करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने का क्या जरूरत है हमको, क्या मतलब है? दिस इज द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू कि आपको जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना जरूरी है हिस्ट्री में। इफ यू वोंट बी हैविंग इंटरेस्ट, तो सारा का सारा चीज जो है एकदम हेडेक कर देगा कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो गया, तो वैसे लेके नहीं पढ़ना है। ओके, सो एंशियंट हिस्ट्री का जो स्टडी है, राइट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्चुअली टेल्स अस अबाउट अस ओनली, ह्यूमंस के बारे में ही बताता है। ओके, सो इट टेल्स अस हाउ व्हेन एंड वेयर पीपल डेवलप्ड, कहां कैसे जो लोग हैं उन्होंने डेवलप किया कल्चर। ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हम लोग पहले ऐसे रहते थे कि जानवर जैसे ही कहीं पे भी जाना, कहीं पे भी घूमना, नोमैडिक लाइफ जीते थे, हंटर्स थे एंड ऑल। बट व्हाट हैपेंड, क्या ऐसा चीज हुआ जिसकी वजह से वी स्टार्टेड लिविंग एट वन प्लेस, एक ही जगह पे हम रहने लगे, तो वैसे कौन से इवेंट्स थे? एज ऑफ नाउ एज यू कैन सी कि अगर कोई जो है मूव करता है तो द पीपल मूव ओनली बिकॉज ऑफ देयर जॉब, है ना, या फिर जो है और कोई ऐसे सर्कमस्टांस हो गए, तो अदरवाइज पीपल विल बी स्टेइंग देयर ओनली।
जहां पे है उनका घर वहीं पे ही रहेंगे, लेकिन पहले तो लोग घूमते रहते थे, है ना? तो ऐसा क्या रीजन हुआ जिसकी वजह से दे स्टार्टेड स्टेइंग एट वन प्लेस, एंड व्हाट वर द डेवलपमेंट्स व्हिच लेड टू द डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं हमको देखने के लिए मिलती हैं, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दैट? सो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू स्टडी द एंशिएंट हिस्ट्री, ओके? एंड इट शोज हाउ द एंशिएंट इंडियंस डिस्कवर्ड एंड यूटिलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल. किस तरीके से जो इंडियंस थे, जो भी लोग थे, नॉट इंडियंस, इंडियंस तो बाद में हमको टैग मिला ना, ह्यूमंस थे हम लोग, राइट? तो उस टाइम व्हाट थिंग्स एक्चुअली हैपेंड और क्या चीजें, क्या रिसोर्सेज इन्होंने यूज करी, क्या चीजें उन्होंने डिस्कवर किया और यूज किया. अब जैसे कि आप लोग जो है ये रॉक पे पेंटिंग्स देखते हैं, है ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को डिस्कवर किया होगी, ओके, इस चीज का हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पेंटिंग पर्पस, राइट? सो दिस मस्ट हैव कम टू देयर माइंड समहाउ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा. अभी जैसे कि नोमैडिक लोग थे, दे वर नॉट हैविंग लाइक, दे वर लाइक द एनिमल्स ओनली स्टार्टिंग में, है ना? तो उस टाइम क्या सीन था कि क्या चीजें खानी है और क्या चीजें नहीं खानी है, वो भी तो जाना है. अब छोटा बच्चा है जो, दैट चाइल्ड डोंट नो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना करके, एवरीथिंग दैट चाइल्ड विल बी पुटिंग इन देयर माउथ, ओके? तो जो स्टार्टिंग के ह्यूमंस थे वो भी वैसे ही थे. सो दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, दे स्टार्टेड मूविंग अराउंड एंड एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए. तो वही सारी चीजें बेसिकली इसमें दी हुई हैं, ओके? वी कम टू नो हाउ दे टुक टू फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग, मेटल वर्किंग एंड सो ऑन फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री ऑल्सो. वी गेट टू नो कि उन्होंने फायर का कैसे जाना, फायर के बारे में, ओके? दे वी गेट टू नो कि फार्मिंग कैसे स्टार्ट कर दिया एंड इन विच ईयर, कौन से, कितने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले, नॉट दैट ऑफ द विच ईयर, वी कांट स्पेसिफिकली टेल दिस. एंड हाउ दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट एंड हाउ दे फाउंडेड विलेजेस, सिटीज एंड फाइनली द लार्ज किंगडम्स. इसमें बेसिकली यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम बींग नथिंग, हैविंग नथिंग इन देयर माइंड, टू समवन हु एस्टैब्लिश्ड रियली वेरी ह्यूज किंगडम्स लाइक द मौर्यास, राइट, लाइक द चोलास. सो फॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू रीड द एंशिएंट हिस्ट्री, ओके? पीपल आर नॉट कंसीडर्ड सिविलाइज्ड, जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड नहीं माने जाते हैं जब तक वो लिखना नहीं जानते हो, अंटिल अनलेस दे डोंट नो हाउ टू राइट, है ना? अब जैसे जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, दे आर इलिटरेट. अभी आप लोग जो है ना, कभी गुस्सा आएगा तो ऐसे तो यू वॉन्ट बी रिएक्टिंग, लेकिन गुस्सा आएगा तो यू लेके जा अंगूठा छाप, है ना, ऐसे बोल देते हैं. कितने लोगों को यू मस्ट हैव सीन. सो द पीपल आर नॉट कंसीडर्ड सिविलाइज्ड अंटिल अनलेस दे नो द हाउ दे आर सपोज टू राइट, राइटिंग, ओके? एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग विच इज ऑब्वियसली प्रेवलेंट इन इंडिया. आप देख सकते हो कि साउथ में जो है किस तरीके से ऐसे ऐसे मतलब अजीब तरीके से घुमा करके लिखे रहते हैं, दे इट हैज नथिंग, मतलब उसका जो मीनिंग हमारे लिए कुछ नहीं है, बट द पीपल हु अंडरस्टैंड इट उनके लिए बहुत मीनिंग हो जाता है ना? अब जैसे उर्दू हो गया, अब हिंदी है, वी आर राइटिंग लेफ्ट टू राइट, उर्दू हो जाओ उसका उल्टा लिखेंगे, है ना? तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है वो, ना? काला अक्षर भैंस बराबर वाला सीन है, है? तो वही चीज है यहाँ पे कि द राइटिंग्स, हाउ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग came to India, किस तरीके से जो different languages हैं which we speak, अभी जो है हिंदी हम लोग बोल रहे हैं, कभी ये हिंदवी बोला जाता था इसको, right? Many years back जो है पहले जो common language होती थी that was Prakrit, okay? All these languages you need to remember कि कौन से time period में कौन सा common language था, वो भी याद रखना जरूरी है, ठीक है? अभी तो आपको सारा basic चीजें मैं आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे ना ज्यादा information मिलेगा in the नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल स्टार्ट गेटिंग, ठीक है? तो प्राकृत वॉज वेरी कॉमन एज ऑफ नाउ, एज हिंदी इज वेरी कॉमन, अभी जिस तरीके से हिंदी कॉमन है, किसी टाइम पीरियड में संस्कृत भी बहुत कॉमन था, बट नाउ इफ समवन विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन संस्कृत यू विल बी लाइक व्हाट, है ना, समझ में नहीं आएगा करके. एंड अभी ये भी तो चीज है, हमारी लैंग्वेज पे बहुत असर पड़ा है इन्वेजन्स का भी, ओके? अच्छा, ऐसा कोई वर्ड जो कि हम एज अ हिंदी यूज करते हैं बट लेकिन वो उर्दू वर्ड है,
एनीवन? हाँ गाना, ओके, इन एनीथिंग, जो हम लोग वर्ड, कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड जो कि उर्दू है लेकिन एज अ हिंदी हम लोग यूज करते हैं, बताइए। पानी। उर्दू उर्दू। अच्छा और कुछ? वक्त। एंड व्हाट इज, व्हाट अबाउट दिस ख्वाब? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? एनी वर्ड विच यू फील कि हम मतलब ये हिंदी है लेकिन इट्स फ्रॉम उर्दू, बेसिकली ये उर्दू वर्ड है। हाँ नहीं, ख्वाहिश, समवन साइड इज ख्वाहिशिंग, ख्वाहिश आई गेस ना, राइट। अच्छा अकबर, शुक्रिया, राइट। तो ये बेसिकली व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, क्योंकि हमारे लैंग्वेज पे एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे रहन सहन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे खाने पीने पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। लाइक द बिरयानी ना, एवरी वन वेरी लैविशली ईट बिरयानी, उसको भी लेकर के है कि GI टैग चाहिए हमको कि हमारा बिरयानी जो है यहाँ से है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मिडल ईस्ट से आया था, ये भी चीज़ है। अच्छा द ड्रेस विच आई एम वेयरिंग टूडे, दिस इज चिकनकारी, इस तो इसका GI टैग है, मिला है? हाँ लखनऊ का है, यस। यू नीड टू नो, कभी कभी मैं ऐसे ही कुछ पहन के आऊंगी एंड यू हैव टू टेल कि मैम इसको GI टैग मिला, कुछ खाने के लेकर आएंगे किसी दिन, मैंगो भी किसी दिन लेकर आएंगे। खैर, सो देर आर लॉट्स मैनी, देर आर, अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हाउ वी आर टॉकिंग, कंप्लीटली हिंदी में भी नहीं बात कर रहे, कंप्लीटली इंग्लिश में भी बात नहीं कर रहे, है ना? तो इन्फ्लुएंस अंग्रेजों का हमारे ऊपर, समवन जो मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि पूरा कंप्लीटली इंग्लिश में बात करेगा तो यू लाइक वाओ, है ना, एकदम बड़े लोग बड़ी बातें, है ना, वैसा वाला फीलिंग आता है। तो वो हमारे माइंड पे, ये नियो कॉलोनिज्म है बेसिकली, ओके। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री तभी पता चलेगा ना कि हमारा हमारा ड्रेसिंग सेंस ऐसा क्यों है, हम इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, हम इस तरीके से क्यों खा रहे हैं, कर रहे हैं, ऑल वो सारी चीजें। लाइक इन इंडिया वी ऑलवेज ईट विद द हैंड्स, है ना, हमारा तो यही चीज है, लेकिन छुरी काटे तो बाहर से आ गया ना, तो वही चीज है। खैर, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ द लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक टूडे, द लैंग्वेज इज वी यूज हैव रूट्स इन एंशियंट टाइम्स एंड हैव डेवलप्ड थ्रू द एजेस। सो दिस इज व्हाट नाउ आई टोल्ड यू, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि लैंग्वेजेस पे इम्पैक्ट जो है वो कैसे पड़ा फ्रॉम द ईयर्स, बहुत पुराने टाइम से ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे प्राकृत था, संस्कृत था, ये सारे कॉमन लैंग्वेजेस थे, बट लेटर ऑन संस्कृत एलिट लोगों का लैंग्वेज हो गया, फिर उसके बाद जो है पर्शियन लैंग्वेज जो है कोर्ट में काफी ज्यादा कॉमन हो गया, राइट। सो द पीपल स्टार्टेड लर्निंग पर्शियन लैंग्वेजेस इन द संगम लिटरेचर, अगर आप साउथ में जाओ संगम एज में, तो तमिल बहुत ज्यादा जो है वो फ्लरिश करने लगा था, राइट। सो डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट लैंग्वेज वर फ्लरिशिंग बेसिकली, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंशियंट हिस्ट्री से वी गेट टू नो अबाउट दिस थिंग ऑल्सो विच इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो चीज़ है आर्यंस को लेकर के। प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स, सिंथियंस, हुनास, टर्क्स एटसेट्रा, वी गेट टू नो अबाउट दीज पीपल ऑल्सो बिकॉज दीज वर द पीपल हु केम टू इंडिया, दे इन्वेडेड इंडिया। अब इसमें जो है प्री आर्यंस, आर्यंस के आने से पहले किस टाइप का सिचुएशन था, राइट, वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स, ओके। ये एक तरीके से ओवरव्यू है फिलहाल। नेक्स्ट इज द इंडो आर्यंस एंड द ग्रीक्स ऑल्सो, सिंथियंस ऑल्सो केम ओवर हियर, हुनास ऑल्सो केम ओवर हियर, टर्क्स ऑल्सो केम ओवर हियर इन इंडिया, ये सभी लोग इंडिया में आए और इंडिया के बन के रह भी गए, बहुत सारे लोग, नॉट दे वर नॉट लाइक द ब्रिटिशर्स हु केम ओवर हियर एंड लूटेड अस एंड जो हमारे जो चीजें हैं वो भी लेकर के ब्रिटिश म्यूजियम में लेकर रखे हुए हैं वहां पे चोर बाजार टाइप जो है। खैर, नाउ टेल मी दैट सिंथियंस कौन होते हैं, मैंने बोल दिया सिंथियंस, यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड ना कि मैम सिंथियंस कौन होते हैं, पता होना चाहिए ना कौन होते हैं सिंथियंस, हुनास कहाँ से आए थे, टर्क्स, टर्क्स तो नाम से ही पता चल रहा है ना, हाँ तुर्की, टर्की बोलना उनको अब ऑफेंसिव लगता है,
क्योंकि टर्की एक बर्ड का नाम है जो कि थैंक्स गिविंग में यूएस के प्लेट पे रहता है. दैट इज द रीजन. इसलिए वो तुर्की चाहते हैं कि हमको तुर्की बोलो, विच इज वेरी ऑब्वियस. कोई भी कंट्री को नहीं पसंद आएगा वो चीज. सो सिंथियंस जो है वो बेसिकली नोमैडिक ईरानियंस थे. यू कैन राइट दिस डाउन. आपको आगे ये सारी चीजें जो हैं वो बार बार ये वर्ड्स रिपीट होंगे इन फ्यूचर. ओके, सो सिंथियंस बेसिकली कौन थे? वो थे जो कि नोमैडिक पीपल थे. एंड नोमैडिक पीपल ऑफ वेयर? ईरानस. ठीक है, ईरानियंस थे. दे वर द ईरानियंस एंड नोमैडिक पीपल. नेक्स्ट कम्स द हुनास. अब ये हुनास कौन से हैं? टर्क्स तो सबको पता ही है कि तुर्की तुर्की वाला है. ओके, हुन जो थे ये बेसिकली एक ट्राइब था जो कि सेंट्रल एशियन एरिया में थे. सेंट्रल एशियन जो एरिया है वहां से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. दे वर ऑल्सो स्टार्टिंग में एवरी वन वर द नोमैडिक ओनली. ओके, इंडिया में भी जो गोरे लोग नहीं मिलते थे, वी वर बेसिकली ब्लैक. एंड एज यू कैन सी ऑल द गॉड्स वी बेसिकली फ्रेम देम इन द सांवला रंग में दिखाते हैं या फिर हम उनको काले रंग में दिखाते हैं. ओके, क्योंकि वी वर लाइक दैट ओनली. बट अभी आप लोगों को गोरे लोग भी इंडिया में देखने के मिलते हैं. हाउ? बिकॉज मेनी पीपल केम ओवर हियर इन इंडिया. ठीक है, शादी किए, बच्चे हुए, तो ऑब्वियसली बात है कि जो जीन्स हैं वो जो है चेंजेस होने लगी. एंड इंडिया के इंडियंस के अगर जीन्स के अगर पता करें तो उसमें इरानियंस का भी मिलता है. तो अभी ये चीज को लेकर के कि इंडियंस वहां पे गए थे इन्वेड करने या फिर इरानियंस वहां से यहाँ पे, तो ये भी एक अलग ही डिबेट चलती है. खैर, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट, राइट? सो इरानियन, सॉरी, दीज हुनाज आर द सेंट्रल एशियन पीपल जो कि बेसिकली हर जगह मिलते थे. एंड इन द प्रेजेंट डे यूक्रेन ऑल्सो दे वर रिसाइडिंग, नॉट नाउ, उस टाइम जो थे वो वहां तक भी गए थे. सदर्न पार्ट ऑफ रशिया ऑल्सो दे वेंट देयर एज वेल हुनाज. एंड इंडिया में भी आकर के इन्वेट किए थे. तो बेसिकली क्या है कि जो सेंट्रल एशियन का पार्ट है ये वहां से ये यहाँ एंड ये यूक्रेन एंड सदर्न पार्ट ऑफ दैट रशिया दे वेंट देयर ऑल्सो दे केम टू इंडिया एज वेल. इंडिया में भी आए थे. ओके, समझ में आ रहा है ना? आई एम पुटिंग एवरीथिंग इन वेरी सिंपलेस्ट मैनर, एज सिंपल एज पॉसिबल. ओके, सो वी गेट टू नो अबाउट दीज ऑल्सो कि ये लोग किस तरीके से कहाँ से आए. एंड कहाँ से आए होंगे? फ्रॉम वेयर दे मस्ट हैव एंटर्ड इन टू इंडिया. अभी सोचो ना, इंडिया का ज्योग्राफी सोचो. सी रूट से. ओके, अगर लैंड से आना हो तो हाँ, तो उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? इंडिया का यहाँ पे मैप है, यहाँ पे देखो, दिस मैप, ठीक. दिस इज द एरिया जहां से आना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन एक तरीके से देख, तो ये दीज आर दी हिमालयस. जितना भी इन्वेजन्स होता है इन द बुक यू मस्ट बी रीडिंग इन द फ्यूचर और यू मस्ट हैव रेड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. ओके, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है ये वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. सो दीज पीपल दे यूज टू कम ओवर हियर इन इंडिया, एंटर हियर फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. ये रीजन जो है यहीं से ही ये जनरली यहाँ पर एंटर करते हैं. जनरली जितने इन्वेजन आप देखेंगे, ओके, फ्रॉम हियर ओनली. वाई नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट? बिकॉज ऑफ द हिमालयस. दे आर वेरी हाई हिमालय, दे कैन नॉट कम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं. वाई? नहीं, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हमारे लिए पॉजिटिव तो है. चलो ठीक है, इन्वेजन नहीं हो सकता. उसके अलावा क्या रीजन है जिसकी वजह से हिमालयस आर रियली वेरी गुड फॉर अस? दे आर प्रोटेक्टिंग. हाँ, वो भी है. यस, वेरी गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं सुनना चाहती हूँ, तो वो तो है, ये तो प्रोटेक्ट करता है. हाँ, वो भी है. नहीं कर सकता है वो, तो 1962 के वॉर में तो था ही. खैर, लेकिन वो तो अरुणाचल की तरफ से फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा हार्म किया था. बट स्टिल वन थिंग, इंटरव्यूअर ऐसे ही पूछेगा आपसे एंड यू हैव टू रीड द माइंड ऑफ इंटरव्यूअर. सी, यहाँ पे चाइना में जो है बहुत सारा कोल्ड वेव रहता है, राइट? एंड ये हिमालयस की वजह से इट कैन नॉट एंटर ओवर हियर.
इंडिया में नहीं आ पाता है ये कोल्ड वेव्स इस साइड से, ये टिबेटन साइड से, इसी वजह से वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ स्नोफॉल ओवर हियर। नहीं तो बिहार में भी हो रहा होता, यूपी में भी हो रहे होते स्नोफॉल, जस्ट इमेजिन। हम लोग भी क्रिसमस में बना रहे होते हैं वो है, बहुत 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 इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। तो हिमालय ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। सो हियर यू गॉट टू नो कि बेसिकली ये जो है कहाँ से एंटर करते थे। सो इफ यू सी, यू एक चीज और ये ध्यान में रखना, दिस इज नॉट, ये चीज नहीं है कि यहाँ पे भी माउंटेन्स नहीं है, देयर आर ऑल्सो माउंटेन्स बट देयर आर पासेस एज वेल, जहां से कि आना एंटर करना इज वेरी इजी, बट हियर दिस इज वेरी डिफिकल्ट टेरेन, सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट एंटर फ्रॉम देयर, ओके। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेजन्स की बात है, ठीक है, इन्वेजन जो जनरली वो यहाँ से हुए थे, जो ट्रेडर्स थे, एंड बाई ट्रेडर्स आई मीन द ब्रिटिशर्स, दे केम फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम द सी रूट, एंड यहाँ पर आकर के लेटर ऑन दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर हियर इन इंडिया। उनका पहला पर्सपेक्टिव तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रेड ही था, क्रिश्चियनिटी भी धीरे धीरे हो गया था, बट लेटर ऑन जिस तरीके का सिचुएशन था इंडिया में, दे थॉट कि हमारे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रूल करना वुड बी रियली वेरी फायदेमंद वाला चीज, सो दे स्टार्टेड डूइंग दैट। बट ये अभी जितने भी हमने हुनास, सिंथियास, इन ग्रीक्स, इन सबका जो देखे, सो दे इन्वेडेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन पार्ट, ओके। अभी इसमें भी जो है कौन कौन से पासेस से दे केम ओवर हियर इन इंडिया, आई लेट यू नो दैट ऑल्सो। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उस चीज के बारे में बताएंगे, ओके। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इटसेल्फ इंडिया एक ऐसी प्लेस रही है, एक ऐसी धरती रही है जहां पर डाइवर्सिटी हमेशा से है, ओके। डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ फूड एंड इन द सेंस ऑफ रिलीजन ऑल्सो, इट हैज ऑलवेज फ्लरिश्ड ओवर हियर इन इंडिया, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, इट केम फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। डिफरेंट फिलोसफीज ऑल्सो, बहुत टाइप की जो फिलोसफीज हैं वो भी ओरिजिनेट हुई, बट ये चीज है कि इंडिया की फिलोसफर्स को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वेस्टर्न पीपल, इसी चीज को न्यू कॉलोनिज्म कह रहे हैं, ठीक है। सो द इंडिया, इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम्स बीन द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन्स एंड इट हैज विटनेस द हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ओवर हियर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इसके अलावा कौन सा ओल्डेस्ट में माना जाता है, कौन माना जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रिश्चियनिटी भी नहीं है, हा? नहीं 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 नहीं, बुद्धिज्म इट केम आउट फ्रॉम हिंदुइज्म, जैनिज्म भी नहीं, ज़ोरोएस्ट्रियंस, इनके बारे में जाना है आप लोगों ने, इट इज ऑल्सो, यस इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ग्रीस, अच्छा वो देवर बेसिकली दिस क्रिश्चियंस ही थे जनरली, दैट इज ऑल्सो ओल्ड बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जिसका देखिए हिंदुइज्म ऐसा है जिसका हमको पता ही नहीं कि किसने शुरुआत करी, कैसे शुरुआत करी। एज ऑफ नाउ देखिए हिंदुइज्म एक ऐसी रिलीजन है जिसका नाम दे दिया गया, एज एन ऑल इसको किसी रिलीजन के पर्सपेक्टिव से तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, बट इट वॉज गिवन अ नेम बाई द पीपल, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो लोग हैं उन्होंने बेसिकली नाम दे दिया था। अब जैसे इंडिया का नाम कैसे पड़ा, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, बाय बिकॉज ऑफ द इंडस रिवर, है ना, इंडस रिवर। सो इंडस रिवर दे स्टार्टेड कॉलिंग द पीपल जो इंडस रिवर के इस पार रहते हैं, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग देम इंडोस, विच धीरे धीरे हिंदूज बन गया ये, तो इस साइड जो लोग रह रहे हैं उनको हिंदूज बोलना स्टार्ट कर दिए, ओके। दे स्पेसिफिकली, बिकॉज यू स्पेसिफिकली गिव नेम टू द पीपल ना, जब तक आप नाम नहीं दोगे कैसे स्पेसिफाई, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। जैसे साइक्लोन्स आते हैं, we always give names to the cyclones in order to identify them, okay, if we don't give name then how we will be recognizing ki kaun sa cyclone ki baat kar rahe hain। ab ho sakta hai ki ek saal mein 4-5 agar cyclone aa gaye, bhagwan ki kripa se aisa na ho, lekin fir bhi just for an example, to how you will be calling them, kya usko kuch to name dena hoga, agar simplest form mein bhi denge to you will be saying ki cyclone number 1 2 3, at least kuch to name hoga na, right। so they started calling them इंडोज, हिंदूज, एंड वही जो आगे जाकर के इंडिया बन गया,
ठीक है, जो इंडिया बन गया लेटर ऑन. खैर, सो हिंदुइज्म जैनिज्म इट ओरिजिनेटेड ओवर हियर इन इंडिया इटसेल्फ एंड देन ऑब्वियसली जो लेटर ऑन जो है पूरे वर्ल्ड में, हाँ ऑब्वियसली इंडिया के लोग जो है जहाँ जहाँ गए तो वहाँ पे अपने साथ लेकर के गए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लैंग्वेजेस प्रैक्टिसेस आल्सो स्प्रेड एंड दोज आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एट वन स्पेसिफिक प्लेस में जो है ओरिजिनेट होकर के बाहर की सारी जगहों पे गए. अब जैसे कि अब लैंग्वेजेस की डिफरेंस, लैंग्वेजेस की बात कर लीजिए. लास्ट टाइम ओनली आई डोंट नो इसी क्लास में मैंने कहा था कि ऑनलाइन मैंने कहा था कि लाइक भात वर्ड है ना, चावल भात. सो इन ओडिशा ऑल्सो भात, इन बंगाल ऑल्सो भात, इन बिहार ऑल्सो भात, राइट. सो दैट इज द राइस भात कहते हैं. तो लैंग्वेज का एक इन्फ्लुएंस जो है दूसरे लैंग्वेजेस पे देखने के लिए मिलता है, राइट. दो इंडिया एक ऐसी प्लेस है कि हर एक किलोमीटर के बाद जो है, हर एक माइल के बाद जो है, यू विल सी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन द लैंग्वेजेस. हर तरीके में आप रहन सहन में भी यू विल सी, ओके. लेकिन एक जो है ओवरऑल एक मतलब एक कहते ना मोटा मोटा, हाँ ये तो कॉमन चीज है, वो एक आप बोल सकते हो है. नाउ द एंशिएंट स्टोर फॉर यूनिटी, जो एंशिएंट पीपल थे दे वर मोर फोकस्ड अबाउट द इन यूनिटी थिंग. यूनिटी चीज जो है उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा ये लोग फोकस्ड रहते थे. जैसे कि इंडिया को भारतवर्ष बोलते हैं, नॉट ओनली द इंडिया. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट भारतवर्ष इट मीन्स दैट इट इंक्लूड्स द सब कॉन्टिनेंट, सदर्न सब कॉन्टिनेंट ओनली. ओके, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, राइट. ये सारा क्योंकि उस टाइम तो ये पूरा का पूरा साथ में था ना, पार्टीशन होने के बाद ये अलग हुए, राइट. सो भारतवर्ष, वाई वी कॉल इट भारत, वाई वी कॉल भारत, इंडिया को भारत क्यों कहते हैं, एंड वाई पीपल से कि हमको इंडिया नहीं बोलना चाहिए, हमको अपना भारत बोलना चाहिए. वाई भारत, दे वर ट्राइब, यस दे वर ग्रुप ऑफ पीपल, अ ट्राइब विच वर कॉल्ड एज भारत, ठीक है. तो इसीलिए भारतवर्ष उन्हीं से जो है वो नाम पूरा इस पूरे एरिया का रख दिया गया भारतवर्ष. सो ये जो नेम है दिस इज इम्पॉर्टेंट, हालांकि एग्जाम में आता नहीं क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट है, सबसे बेसिक चीज है एक तरीके से इंडिया को लेकर के, ओके. और द लैंड ऑफ दिस नेम वॉज बेसिकली गिवन बिकॉज ऑफ द भारत क्लैन, दिस एंशियंट ट्राइब, देर वॉज एन एंशियंट ट्राइब भारत, उनकी वजह से, ओके. एंड देन लेटर ऑन जो है मुना, पहले जो स्टार्टिंग में लीडर्स लोग चुना करते थे, फिर वो हम वैदिक एज में पढ़ेंगे कि किस तरीके से. एंड डू यू नो एक इनसाइड वैदिक एज का, कि वैदिक एज में व्हाट दे यूज टू कंसीडर एज वेल्थ, गाय को मानते थे. द मोर द नंबर ऑफ काउज यू हैव द मोर वेल्दी यू आर. लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया. नाउ द मोर द नंबर ऑफ लैंड यू हैव द मोर वेल्दी यू आर, क्योंकि उतना आप जितना ज्यादा गाय रखेंगे तो उतना आपको लैंड भी चाहिए, राइट. सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव दे स्टार्टेड अक्वायरिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ लैंड्स. एंड इसी तरीके से जो है मोनार्की का जो सिस्टम एक तरीके से धीरे धीरे इंडिया में आने लगा, ओके. सो दे सी देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड समथिंग, कभी भी कोई चीज होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, एंड नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं उसके पीछे, ओके. अभी जैसे कि रशिया यूक्रेन का केस है, आईआर, राइट, इंटरनेशनल में आता है आपका आईआर में, लेकिन इसके पीछे आपको हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी, है ना. हिस्ट्री प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपको आईआर पढ़ना है तो भी, राइट. अभी रशिया जो है व्हाई इट अटैक्ड यूक्रेन इतना ज्यादा अग्रेसिव तरीके से, यूक्रेन वॉज सो ब्यूटिफुल प्लेस. अभी आपको उसका बिफोर एंड आफ्टर वाला इमेजेस देखेंगे तो यू विल बी लाइक यार कितना सुंदर जगह को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया एकदम, राइट. सो उसके लिए हिस्ट्री जानी जरूरी है, हिस्ट्री में भी थोड़ा सा रीसेंट वाला टाइप जान लेंगे तो इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इजी रहेगा. क्यों भाई क्यों अटैक किया नेटो, हाँ यस बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, कि नेटो अगर ज्वाइन कर लेता जो कि अलायंस है दैट ऑफ द यूएस, एंड यूएस जो है वो रशिया का एकदम कट्टर दुश्मन है, दोनों हमेशा से कोल्ड वॉर एरा से जो है उनका ये सिचुएशन चल रहा है, तो कैसे वो उस चीज को देखेंगे, है ना. तो इसलिए दे अटैक्ड इट. खैर ये हो गया. लेटर ऑन दे मोनार्क्स में भी चक्रवर्ती लोग बनने लगे इंडिया में, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चक्रवर्ती,
चक्रवर्ती मीन्स दैट राजा जो कि पूरे वर्ल्ड पे राज किया हो. एनी वन एग्जाम्पल ऑफ दैट? अशोक. यस, चक्रवर्ती अशोक बोलते हैं. ओके, अशोक इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑल ओवर अगेन, एंड इम्पॉर्टेंट भी है. अशोक मौर्यन पीरियड में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस PYQs मतलब प्रीवियसली पूछ चुके हैं, जैसे कि देव नाम प्यासी या फिर देव नाम दासी. नहीं पता. हाँ, टास्क दे दे कुछ है पता है. प्रीवियसली ये क्वेश्चन आ चुका है, देव नाम दासी है कि देव नाम प्यासी है, क्या है? अशोक अपने नेम के साथ लगाता था, जैसे नेम, एक ही नेम, आप ही का नाम, जैसे किसी का नाम दे दे, एक ऑफिशियल नेम जो है आपका रिंकू है और घर घर का नाम चीकू है, लाइक दिस. ओके, तो वही चीज, देव नाम द्यासे, देव नाम प्यासी की, देव नाम दासी की, क्या देव नाम, व्हाट, वो जो है पता करेगा. खैर, अशोका वॉज ऑल्सो नोन एज दी चक्रवर्ती अशोक. वाई? बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड. उसने बहुत सारे एरिया जो है अपने अंडर ले लिए थे इस वजह से. हाँ, यू कैन से. खैर, यहाँ पे जो है लेटर ऑन चालुक्या किंग्स दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग दिस थिंग. सी, दे डिफरेंट राजा, डिफरेंट किंग्स, दे यूज टू टेक सम टाइटल्स, एंड वेन इट कम्स टू द एंशियंट हिस्ट्री यू नीड टू नो दोज टाइटल्स. ओके, वो टाइटल्स आपको याद होने चाहिए जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. खैर, सो दिस वॉज इट रिलेटेड टू द वेरी फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज. अच्छा, मैंने वो लगाया था, ठीक है. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग कि हिंद सिंधु से जो है हिंद नेम, एंड देन इंडोज, एंड देन इंडिया का जो नेम है, भारत का, भारत जो नेम है वो कैसे आया. लिंग्विस्टिक की जब बात आती है, लैंग्वेज की, सो द कॉमन लैंग्वेज, इनिशियली द कॉमन लैंग्वेज वॉज दैट ऑफ द प्राकृत. ये प्राकृत लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, एंड इट वॉज इन वेरी मच कॉमन इन द थर्ड सेंचुरी. थर्ड सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा कॉमन था, इसको याद रखना, बिकॉज यूपीएससी पूछी है इससे क्वेश्चन. राइट, नाउ थ्रू आउट द मेजर मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया, अशोकास इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में मेजरली दोज वर रिटन. लेटर ऑन संस्कृत बिकेम वेरी मच कॉमन, एंड इट वॉज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन दैट ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज. ओके, जैसे एज ऑफ नाउ हिंदी लोग बोलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. ओके, सो इट वॉज लाइक दैट ओनली. सो संस्कृत अक्वायर्ड द सेम पोजिशन एंड सर्व्ड एज द स्टेट लैंग्वेज. स्टेट लैंग्वेज के तौर पे जो है इसको यूज करते थे, इवन इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो. द प्रोसेस बिकेम प्रोमिनेंट इन गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज. गोल्डन एज माना जाता है फॉर वेरियस पर्सपेक्टिव, लैंग्वेज की वजह से भी, रिलीजन की वजह से भी, फॉर द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, बिकॉज पूरा का पूरा जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो है एकदम फर्स्ट स्टेज से लेकर के उसका एकदम हाइट तक जो कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स और जेनिथ, यू कैन सी इट रीच्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ओनली. सो गुप्ता पीरियड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेनी बुक्स वर रिटन. कालिदासा वॉज ऑल्सो ऑफ द पीरियड ऑफ, ही वॉज ऑल्सो ऑफ द पीरियड ऑफ गुप्ता ओनली. ओके, ऑल द पॉलिटिकली द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू न्यूमरस स्मॉल स्टेट्स इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड. द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वर रिटन इन द संस्कृत. सो ड्यूरिंग, बिफोर द गुप्ता पीरियड संस्कृत बिकेम कॉमन लैंग्वेज, बट ऑफिशियल लैंग्वेज यू कैन से. लेटर ऑन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ऑल्सो इट वॉज गिवन लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट, एंड आफ्टर द गुप्ता पीरियड ऑल्सो, इट मीन्स पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑल्सो, इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. विच लैंग्वेज वॉज इम्पॉर्टेंट? द संस्कृत लैंग्वेज वॉज इम्पॉर्टेंट. लेटर ऑन द एपिक्स विच वर रिटन, दोज वर द रामायण एंड महाभारत. दीज एपिक्स वर ऑल्सो ओरिजिनली रिटन इन द संस्कृत ओनली. ओके, ओरिजिनली ये किस में लिखे हुए थे? संस्कृत में लिखे हुए थे, एंड ओरिजिनली द वर्सेस वर ऑल्सो वेरी लेस, एंड द नेम ऑफ महाभारत वॉज ऑल्सो डिफरेंट. वी विल लर्न इन दिस क्लास इटसेल्फ, ठीक है, हम वो देखेंगे. तो नाम वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, बट लेटर ऑन द वर्सेस वर एडेड एंड इवेंचुअली इट गॉट द नेम ऑफ महाभारत. लेटर ऑन द
these were studied and Ramayana and Mahabharata were studied and later on they were translated in the different languages also like that of the Tamil right so Tamil mein bhi jo hai isko likha gaya tha right and as in the intellectual circles of that of the Banaras and Takshila where is Takshila in India in Pakistan kahan hai you need to know and where is Gandhar Gandhar region kahan hai बताओ देखो होमवर्क लिखो सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगी क्लास में आई एम नॉट गोइंग टू गो डू द स्पून फीडिंग जहां तक पॉसिबल होगा मैं करूंगी लेकिन थोड़ा बहुत होमवर्क आल्सो प्लीज राइट डाउन हाँ वेयर इज गांधार रीजन आई विल आस्क टुमारो सो ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत रामायण एंड महाभारत दीज वर ओरिजिनली कंपोज्ड इन द संस्कृत बट लेटर ऑन दे वर ट्रांसलेटेड इन द लोकल लैंग्वेजेस एज वेल राइट नाउ but whatever the form in which Indian cultural values and ideas were expressed, the substance remained the same throughout the country. There were lot many things which were added in the Ramayana and the Mahabharata, but जो एक basic concept है वो तो उस चीज में same ही रहा है आप चाहे जिस भी language में आप पढ़िए Indian history deserves our attention. अब इसी बात है भाई अपनी history है तो उस चीज के लिए तो चाहिए ही attention. So we are little much biased because of that. Apart from that of a peculiar type of social system which developed in this country in North India arose the Varna and the caste system it here it has been written as the Varna slash caste okay yahan pe jo hai isko likha hua hai Varna slash caste system but the Varna system is very much different from that of the caste system okay ab explain kar de ya fir Vedic time mein kar de okay Varna system was quite different from caste system and caste system is very much prevailing right now agar caste agar Varna system ki baat kare to I am a brahman because I am teaching right lekin waise consider nahi karte hain log khair ek insight de dete hain see Varna was decided according to the occupation whatever you are doing ओके आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से इट मींस दैट इन वन होम एक घर में डिफरेंट वर्नास वाले लोग जो थे वो रह सकते हैं ठीक है एक ही घर में मिलेंगे आपको रह सकते हैं क्या मिलेंगे आपको राइट बट कास्ट सिस्टम इज कंप्लीटली डिफरेंट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कास्टा एंड इट वाज क्वाइट कास्ट सिस्टम वाज क्वाइट कॉमन ओवर देयर इन द स्पेन एरिया वहां पे ज्यादा था ठीक है तो कास्ट सिस्टम में ये चीज को ना रिजिड कर दिया गया दैट इफ यू आर फ्रॉम ब्राह्मण दिस पर्टिकुलर कास्ट सो द होल फैमिली विल बी नोन एज द ब्राह्मण ओके राजपूत है तो होल फैमिली राजपूत क्षत्रिय तो वैसे ही है एंड डिफरेंट एंड ऑल ठीक है तो उस हिसाब से सो कास्ट जो है ये रिजिड है बट वर्णा सिस्टम वॉज नेवर रिजिड इफ आई वॉन्ट टू change if I want to change my varna I will change my profession okay change my profession abhi yahan pe varna system hone se ek acha cheez bhi tha kya achhi baat thi varna system hone se koi discrimination nahi tha yes but the one thing which I feel is that because of varna system you can very easily find out ki kaun jo hai wo basically is very good at his or her work okay because in order to get into that varna you have to have really very sharp mind matlab aap sharp hona chahiye us kaam mein agar aap goldsmith ka kaam kar rahe hain to you have to be really very good in that okay wo expertise honi chahiye अगर आप ब्राह्मण हैं टीचर हैं तो यू हैव टू बी रियली वेरी गुड इन दैट टीचिंग वाला सीन में भी ठीक है क्षत्रिय हैं वॉरियर हैं तो यू हैव टू बी रियली वेरी गुड एट वॉरफेयर्स वेरियस वॉरफेयर टैक्टिक्स एंड ऑल गुरिल्ला वॉरफेयर्स एंड ऑल जिस भी तरीके की टैक्टिक्स होते हैं यू हैव टू बी रियली वेरी गुड एट दैट ओके ऐसा ही नहीं मिल जाएगा आपको वरना ओके एनी वन हैविंग एंथ्रोपोलॉजी एज द ऑप्शनल नहीं जिसको भी होगा तो ओके चलो
क्योंकि उसमें जो है इस चीज को लेकर के थोड़ा और भी है, जैसे सांस्कृताइजेशन है, इफ यू वांट टू चेंज योर कास्ट देन यू इट कैन बी सांस्कृताइज। कैसे कर सकते हैं? आप उस रिचुअल को फॉलो करना शुरू कर दो। सपोज यू आर शूद्रा, राइट, एंड यू वांट टू बिकम अ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बनने के लिए जो जो चीजें करनी है, राइट, सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग ऑल दोज रिचुअल्स एंड इवेंचुअली जो है आप ब्राह्मण जो है वो बन जाएंगे। ये चीजें पहले फॉलो होती थी बट अब ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट हैज बिकम अ कास्ट सिस्टम विच इज वेरी मच रिजिड, विच लेटर ऑन इट बिकेम, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। खैर, सो व्हेन वी स्टडी दिस हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट हाउ दिस कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड, हाउ दिस वर्णा सिस्टम केम इन टू बींग एंड ऑल, सो ऑल दीज थिंग्स वी गेट टू नो। ओके, द कास्ट सिस्टम, इवन द कन्वर्ट्स ऑल्सो वर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। In the Christians, the people who became Christians, the people who became Muslims, they were also not एक तरीके से वो बच नहीं पाई है कास्ट सिस्टम की वजह से। कैसे? Because in the Muslims also you will find कि वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम। Okay, in the Sikhs also you will find the caste system is also there, because the converts who converted to one from Hinduism to various religions like that of the Christianity or the Islam. Okay, but still they followed the same rituals. जो चीजें थी वो follow करते थे, बहुत सारी चीजें जो हिंदुइज्म में रहने के बाद भी वो follow किया करते थे, वही चीज वो convert होने के बाद भी वो follow करते थे. Okay, तो slowly slowly that thing became the part of the Christianity and that of the Islam also in India specifically. ठीक है, so the converts belong to some caste and even when they left Hinduism to join the new religion, they continued to maintain some of their old caste practices because they were very much habituated to that thing. Okay, अब जैसे Indians हैं, Indians बाहर देश में जाते हैं, okay, ऐसा नहीं है कि वो completely दूसरे foreigners type behave करने लगते हैं, okay, they keep those things, like यहाँ पे भले ही वो लोग पूजा नहीं करते, वहाँ पे जाके जरूर they will be doing. You will find those the small murtis in their home and all. They will be celebrating Diwalis and everything with the same zeal, with the same happiness and all, जो कि जिस तरीके से वो लोग इंडिया में करते थे. Okay, they are still carrying that. But apart from that, they are trying to being the modern also. उसी type से जो है dress up होना, उस type से thinking करना, उस type से languages use करना, slang use करना, वो सारी चीजें चल रही हैं. But they are not leaving their roots. ओके, तो वही चीज जो है यहाँ पे है. ओके, अब यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री. क्या क्या इम्पोर्टेंस है स्पेसिफिकली? तो सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि दैट वी गेट टू नो अबाउट आवर पास्ट इन एवरी वे, whether you talk about the religion, whether you talk about the food, whether you talk about the kind of dress, language, scripts, whatever thing, everything you get to know from our past only. And this is the reason why the ancient, this new NCRTs are called as the our pasts, PASTs. Ek past nahi hai, bahut sare past hai, theek hai, isme x ko include mat kar lena. Kya? चलो, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है इसका कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से कैसे कैसे हो रहा है. यू नीड ब्रेक? नहीं, सम पीपल आर लुकिंग एट वॉच ना, तो थोड़ा सा वो लग रहा है, बोर लग रहा है. देखिए, एक स्ट्रेच में थोड़ी क्लास हो जाती है 2.5 hours की, तो थोड़ा सा लगता है, नो वरीज. बट अभी जो है ये आपका बेस बन. Okay, concentrate. So the construction of ancient Indian history, material remains. हम जो है अपनी history के बारे में बहुत सारे तरीकों से जानते हैं, which we will be getting to know from this particular chapter itself. The ancient Indians left innumerable material remains. The stone temples in South India, the brick monasteries in the Eastern India, and these still stand there. अब जो टेम्पल्स है साउथ इंडिया में, बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनको देख करके यू गेट टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री. जैसे कि अभी सेंगोल था, सेंगोल का इशू था कि पार्लियामेंट में इंस्टॉल कर दिए ऑल ऑफ अ सडन, ये कहाँ से ये चीज आ गई करके. ओके, बट बिफोर दैट इंस्टॉलेशन, उस चीज को लेकर इंस्टॉल करने से रिलेटेड जब ये केस नहीं हुआ था, उससे पहले कितने लोगों को पता था कि सेंगोल करके कोई चीज थी भी इंडिया में?
कि ऐसा कुछ सिस्टम था भी. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट पीपल डिड, दे स्टार्टेड लुकिंग इनटू द पास्ट, हिस्ट्री में देखने लगे कि इसका जो है कहाँ तक जाता है इसका लिंकेज. ओके, तो इसका एक जो है डिपिक्शन आपको मिलेगा शिवा होल्डिंग धर्मदंड. सेंगोल को क्या कहते हैं, धर्मदंड भी बोलते हैं. ओके, सो शिवा वाज होल्डिंग दिस धर्मदंड एंड दिस दिस स्कल्पचर वाज क्रिएटेड ओवर देयर ऑन द विरूपक्षा टेम्पल. तो वो है जो कि नेहरू को दिया गया था, नेहरू जी को दिया गया था, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. मतलब उसका डिपिक्शन जो है कि एक स्टिक है उसके ऊपर नंदी बने हुए हैं, राइट, सो दैट इज भी कंसिडर्ड एज द सेंगोल. ठीक है, तो सेंगोल उसको बोलते हैं, लेकिन उसको ओरिजिनली धर्म दंड बोलते थे. ओके, तो वो जो है उसका डिपिक्शन हमको कहाँ पे मिला, विरूपक्षा टेम्पल में. उससे पहले लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया था, बट नाउ पीपल आर लुकिंग एट ऑल दोस थिंग्स, है ना. तो हमारा जो हिस्ट्री है, अलॉट मेनी थिंग्स वी गेट टू नो फ्रॉम द टेम्पल्स, वी गेट टू नो फ्रॉम द मोनास्ट्रीज, ब्रिक मोनास्ट्रीज विच आर देयर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे आर स्टिल ओवर देयर, बट द मेजर पार्ट ऑफ दीज रिमेन्स लाइज बरीड इन द माउंट्स. माउंट्स मतलब जो है जमीन में दबे हुए हैं. क्या पता है इस जमीन के नीचे कुछ मिल जाए हम लोगों को, अगर खुदाई कर दे अच्छे से, है ना, कुछ एक्सकवेशन करने पे मिल जाए. तो हिस्ट्री ऐसे ही पता चलती है, एंशियंट. सी बेसिकली हिस्ट्री की जब बात आती है तो देर आर टू पार्ट्स, वन इज द हिस्ट्री, अनदर वन इज द प्री हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री पार्ट इज दैट फ्रॉम वेयर यू गेट द रिटन थिंग. ठीक है, रिटन इंफॉर्मेशन आपके हैं, रिसोर्सेज है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द हिस्ट्री, क्योंकि आपको रिटन चीजें मिल रही हैं. ओके, लेकिन वो चीजें जिसके बारे में हमको रिटन इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, लेकिन एक्सकेवेशन करने की वजह से वी आर गेटिंग टू नो कि इतने हजार साल पहले भी पीपल वर देयर. ओके, सो दैट इज वॉट इज द प्री हिस्ट्री, वेयर इन वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन, हमारे पास नहीं है. ओके, जैसे कि मेजोलिथिक टाइम पीरियड के, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के जो लोग थे, वी डोंट हैव एनी रिटन इंफॉर्मेशन, राइट, बट वट एवर रिमेन्स वी गेट एंड वट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव लेफ्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, वी गेट टू गैदर इंफॉर्मेशन, वी ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर इटसेल्फ. ओके, चलो, सो द इट इज बरिड इन द माउंट्स, जो जमीन में जो है वो बेसिकली दबे हुए हैं. सिंस मोस्ट साइट्स हैव बीन डग्ड वर्टिकली दैट प्रोवाइड अ गुड क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर, हॉरिजॉन्टल डिगिंग्स बीइंग वेरी एक्सपेंसिव और वेरी फ्यू इन नंबर. यहाँ पे बेसिकली आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक्सकेवेशन करते हैं. ओके, व्हेनेवर वी गेट टू नो अबाउट एनी साइट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हु आर द आर्कियोलॉजिस्ट जो ये एक्सकेवेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये सारे रिमेन्स को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज दे विल बी अलॉटेड दैट पर्टिकुलर एरिया, कि भाई जाओ वहाँ पे जो है कुछ एंशियंट हिस्ट्री से कुछ लग रहा है, कुछ तो है, एंशियंट मेडिवल जो भी है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज तो है. सो दे जनरली फॉलो टू टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशंस, वन इज द वर्टिकल वन एंड द अनदर वन इज द हॉरिजॉन्टल वन. ओके, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, वर्टिकल इस तरीके से आएगा, हॉरिजॉन्टल जो है इस तरीके से, मतलब ये पूरा साइट है, ये पूरे साइट को ऊपर की लेयर, लेयर बाय लेयर दे विल बी डिस्कवरिंग स्टफ. ठीक है, लेयर बाय लेयर, जैसे कि अब सपोज दिस इज लैंड, राइट, दिस इज लैंड, राइट, व्हाट दे विल बी डूइंग, यहां से जो है ये खुदाई करना स्टार्ट करेंगे. ओके, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड ये लेयर बाय लेयर इस साइड दे विल बी चेकिंग आउट कि यहाँ पे कुछ है क्या इस इधर से. सो वर्टिकली मैं एक आपको रफ आइडिया दे रही हूँ कि हाउ दे एक्चुअली डू दिस थिंग. ठीक है, तो इधर से ये वर्टिकली इंफॉर्मेशन दे विल बी गेटिंग. अभी जब एक्सकेवेशंस होती है तो उसमें लेयर्स भी हैं, सॉइल का लेयर, जैसे कि अभी का जो सॉइल का लेयर, अभी जो लेयर है दैट विल बी द ह्यूमस, द लिटर्स एंड ऑल एवरीथिंग विच वी हैव थ्रोन, वो रहेगा. उसके बाद फिर उसके नीचे का वो हटाएंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे का लेयर उठाएंगे. तो एक्चुअली होता क्या है, लेयर बाय लेयर दे असाइंड द इयर्स, कि इतने टाइम पीरियड में जो है, सपोज ये मॉडर्न अभी के टाइम पीरियड की ये सारी गंदगी है,
ठीक है, उसके बाद जो है ये लेटर ऑन वो हो सकता है कि उससे पहले वाले टाइम पीरियड का है, नीचे वाले में इसमें सपोज दे विल बी सेइंग कि एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पीरियड का है, एंड हियर दे विल बी सेइंग कि ये क्या हो गया, ओके दिस इज ऑफ द एंशियंट टाइम पीरियड एंड हियर दे विल बी सेइंग कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का है, ओके लेयर बाय लेयर। अभी समझ में आ रहा है लेयर बाय लेयर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको बता रही हूँ। जैसे कि अभी यही है पाइल अप होना, बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में पहले की चीजें आई, ठीक है, उसके ऊपर उसके बाद में जो है एंशियंट टाइम पीरियड की आ गई, उसके बाद सपोज ये मेडिवल टाइम पीरियड की आ गई, उसके बाद जो है ये बेसिकली क्या हो गया मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, उसके बाद जो है अभी टाइम पीरियड का, मतलब लेयर बाय लेयर, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ओके। सो ये लेयर बाय लेयर जब एक्सकेवेशन करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन हो गया, ठीक है, ऊपर का लेयर इन्होंने हटा दिया, देन दे विल बी रिमूविंग दिस लेयर ऑल्सो, ओके। उसके बाद जो है एक एक करके लेयर हटाएंगे एंड देन फाइनली दे विल बी रीचिंग आउट टू दैट पीरियड, जो भी पीरियड का उनको एक्सकेवेशन का मिला है, एंड दे यूज द वेरियस मशीन्स एज वेल, अभी जो है डिटेक्ट करने के लिए दे यूज द मशीन्स ऑल्सो, एंड दे दोज मशीन्स बाई यूजिंग दोज मशीन्स दे गेट टू नो कि नीचे कुछ तो है करके, स्कैनिंग करना है एंड ऑल, दे डू ऑल दैट थिंग, ओके। अभी अभी जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है, अभी जो चीजें हैं थोड़ी एडवांस हो गई हैं, एंड एज आई टोल्ड यू दिस थिंग, राम जन्मभूमि का जो था वो रिजॉल्व नहीं होता अगर एक्सकेवेशंस नहीं होते, वो बहुत लंबा ये चीज जो है वो बेसिकली चलता। यहाँ पे एक्सकेवेशन कौन सा हुआ था, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन हुआ था, ओके, यू कैन राइट इट एज एन एग्जाम्पल इफ इट नीडेड एनीवेयर, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, नाउ इवन इन दोज माउंट्स व्हिच हैव बीन एक्सकेवेटेड द एंशिएंट रिमेन्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, जो भी माउंट्स की जहां पे भी खुदाई हुई है तो वहां पे एक्चुअली होता क्या है, एंशिएंट टाइम पीरियड एक्सकेवेशंस किया उन्होंने, तो ऐसा जरूरी नहीं एक जगह इकट्ठी चीजें मिल गई, कहीं पे कुछ मिला है फिर कहीं पे कुछ मिला है, फिर उसको डेटिंग करना, उसको रिलेट करना, दैट हैपेंस, ओके, दे डू ऑल दीज थिंग्स इन द ड्राई क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हाँ, और ये भी चीज है कि कौन से क्लाइमेटिक प्लेस पे हैं ये रिमेन्स, दैट इज सपोज इट इज वेरी वेट एरिया, तो वहां पे कोई चीजें रहेंगी नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट, इफ एनी रिमेन इज ऑफ दैट ऑफ द वुड, वुड का कोई चीज है तो वो भी सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, राइट। सो इन विच रीजन वी आर फाइंडिंग, कौन सा रीजन में है वो भी एक जो है मैटर करता है, सपोज बहुत गीले वाला रीजन है तो वहां पे मिलना चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट इन द ड्राई रीजन इट इज क्वाइट यू कैन से बेटर चांसेस हैं वहां से एक्सकेवेशंस के। सो इन द ड्राई क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एंटिकिटीज आर फाउंड इन बेटर स्टेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जो भी चीजें हमको मिलती है वो थोड़े बेटर सिचुएशन में रहेंगी, लाइक द पॉट्स वी आर फाइंडिंग, लाइक द ग्रेन्स ऑल्सो वी आर फाइंडिंग, बट जो ग्रेन्स वैसा नहीं है कि जिस फॉर्म में हम लोग अभी देख रहे हैं ग्रेन्स, दोज ग्रेन्स विल बी इन द चार्ड फॉर्म, चार्ड फॉर्म इन द सेंस मतलब जले होंगे, ठीक है, वो जल के उस हिसाब से हो गए होंगे और वो जो है वो खराब नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन एंड ऑल, राइट। बट इन द मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लाइक दैट ऑफ द गंगा, गंगा का प्लेन है, रिवर वाला एरिया है, गंगा का बेसिन, यमुना बेसिन एंड ऑल, यू वोंट बी फाइंडिंग। जनरली जो सेटलमेंट्स होते हैं, सेटलमेंट्स मतलब घर बसाना एंड ऑल ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस टाइम पीरियड में एंशियंट में, सो दे यूज टू सेटल डाउन नियर बाई द रिवर्स बिकॉज ऑफ द सोर्स वाटर जो है आराम से मिल सके फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, फॉर द एनिमल्स, फॉर एनिमल्स उनको पिलाने के पर्पज से, अपने लिए, इन सारे पर्पस की वजह से। सो एनीथिंग व्हिच वुड हैव बीन डंप्ड ओवर देयर, वो तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई होंगी बिकॉज ऑफ द वेट मॉइस्ट रीजन, राइट। सो इन द डेल्टाइक रीजंस इवन द आयरन इंप्लीमेंट्स सफर एरोजन एंड दैट सॉरी करोजन एंड मड स्ट्रक्चर्स बिकम डिफिकल्ट टू बी डिटेक्टेड। ये नीचे का विजिबल है, नहीं इन द बैक नहीं है विजिबल, इसको वो कर सकते हैं, ठीक,
अभी ठीक है, गुड, चलो. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दी दिस थिंग, तो मोटा मोटा यही कहना है जो कि मॉइस्ट रीजन है देयर यू वोंट फाइंड एनी ऑफ द रिमेन्स. ओके, यू वोंट बी फाइंडिंग एनी रिमेन्स रिमेन्स वट एवर द इवन द आयरन इम्प्लीमेंट्स ऑल्सो यू वोंट बी फाइंडिंग बिकॉज ऑफ करोजन की वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ऐसे खुले में रख दो तो खराब हो जाएगा, वो तो पानी के नीचे है. एक्सकेवेशन एक्सकेवेशन हैव ब्रॉट टू लाइट सिटीज लाइट द सिटीज विच द पीपल एस्टैब्लिश्ड अराउंड 2500 BC. ये एक्सकेवेशन की वजह से ही वी गेट टू नो अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, उसी के बारे में जो है ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है. नाउ सिमिलरली दे टेल अस अबाउट द मटेरियल कल्चर विच वॉज डेवलप्ड इन द गैंगेटिक बेसिन. व्हाट डू यू मीन बाई द मटेरियल? भौतिक चीजें जो लोग जो है लाविशली कोई कोई चीज को अटेन. स्पिरिचुअलिटी एक होता है तो स्पिरिचुअलिटी पर्पज से, एक होता है मटेरियलिस्टिक पर्पज से, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट. सो दे शो द लेआउट ऑफ द सेटलमेंट्स इन विच पीपल लिव्ड, द टाइप ऑफ पॉटरी दे यूज्ड, द फॉर्म ऑफ हाउस इन विच दे ड्वेल, द काइंड ऑफ सीरियल्स, द फूड विच दे एट, द टाइप ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स विच दे हैंडल. ऑल दीज थिंग्स वी गेट टू नो फ्रॉम द एक्सकेवेशंस ओनली. जब हम खुदाई करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, तभी ये सारी चीजें हमको मिलती हैं, एंड देन वी गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सम पीपल इन साउथ इंडिया बरीड अलोंग विद द डेड. ये रिचुअल्स था पहले कि सपोज जो भी बरियल है जहाँ पे, पहले ऐसा नहीं था कि बर्न करने का रिचुअल नहीं था. स्लोली स्लोली चीजें जो है वो डेवलप होनी शुरू हुई. ओके, सो अर्लियर व्हाट द पीपल यूज टू डू, जो भी डेड हो गए उसको जमीन में से दफनाना है करके, ठीक है, तो उनके साथ उनके फेवरेट चीजें रख दिया जाएंगी, या फिर ऑल दोस थिंग्स विच दे यूज टू कैरी विद देम. अभी भी ये रिचुअल फॉलो होती है इन द फ्यूनरल. ये जो पूरा फ्यूनरल का सीन होता है उसमें क्या करते हैं, एक में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन दे विल बी कीपिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्सन ऑन द बेड. आप लोगों ने पता नहीं ये रिचुअल फॉलो करते हैं कि नहीं, बट दिस एक्चुअली हैपेंस. लाइक दे विल बी बाइंग वन न्यू बेड, एंड वो भी जो भी चीजें वो यूज करते थे फ्रॉम द बेडशीट, द साड़ीज और द धोतीज, एंड इवन द हुक्का ऑल्सो इफ दे वर यूजिंग, सो दैट ऑल्सो एवरीथिंग न्यू दे विल बी बाइंग एंड कीपिंग इट. फिर जो है पूरा पूजा एंड ऑल एवरीथिंग वट एवर हैपन्स दैट हैपन्स, एंड उसके बाद जो उसको दान कर दिया जाता है. लेकिन इससे पहले क्या होती थी पुराने टाइम में, दे यूज टू कीप ऑल दोज थिंग्स अलॉन्ग विद द डेड पीपल ओनली. Why they used to keep all those things like the tools or the animals, animals like goats or the dog, whatever. Okay, they used to keep them, keep all those things with them. Because लोग सोचते थे कि ये जो है इनको दूसरे लाइफ में यूज आएगा. ओके, ये दूसरी चीज में जो दूसरी दुनिया में जा रहा है वहां पे इसको ये सारी चीजों की यूज आएगी. सो बिकॉज ऑफ दोज बरियल्स ऑल्सो वी गेट टू नो कि किस टाइप के एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट करते थे, या फिर किस टाइप के जो टूल्स थे दे यूज टू यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी गेट टू नो. नाउ द वेपन्स पॉट इवन द पॉटरीज ऑल्सो दे विल बी कीपिंग पॉटरीज ऑल्सो. पॉटरीज में क्या कर देंगे, उसमें पानी रखेंगे या फिर जो सीरियल्स है वो रख देंगे. Even the jewelries have also been found, जो jewelries वो लोग use करते थे, तो that also used to be kept, वो भी रख दिया जाता था. कितने दिलदार लोग थे कि ज्वेलरी भी देते. अभी तो लोग मरे उससे पहले ही लोग झगड़ा करने लगते हैं कि भैया हमको दे दो तो हम लेंगे तो हम लेंगे, ऐसा सिचुएशन हो जाता है. खैर, and other belongings in the graves which were encircled by the big stone pieces, like this is the grave, right? Around these grave they will be putting the बिग स्टोन्स. ओके, मेगालिथ्स, बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं बेसिकली वो यहाँ पर रख दिया करते थे इन ऑर्डर टू मार्क दैट दिस इज अ बरियल साइट, है ना. अभी भी जो ऐसा ही काम करते हैं बरियल साइट में, अभी जो क्रिश्चियंस का बेसिकली यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे जो है बरी करने के बाद उसके ऊपर उनका नाम इनग्रेव किया रहता है, कब से कब तक वो सारी चीजें लिखी रहती हैं, है ना. सो दोज वर नॉट रिटन, बट ये सारी टाइप की चीजें जो थी, तो इसमें मिलेगा वो पर्सन मिलेगा, उसके द्वारा यूज करी हुई चीजें मिलेंगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर द पीपल फील दैट दे दिस पर्सन माइट बी इन नीड इन द अनदर वर्ल्ड. सो ऑल दोस थिंग्स दे यूज टू कीप इट इन द बरियल साइट्स. एंड ये जो स्टोन्स, ये जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली रख देते थे, इसकी वजह से दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द मेगालिथ्स.
because of these structures, the big stones, megalith, megalith, lithos means stone, okay, mega means bada, okay, big. Although all megaliths do not fall in this particular category, sare jo hai isi category mein nahi aate hain, that we will know ki kaise kaise kya kya. By digging them, we have come to learn about the people, जो कि डेक्कन रीजन, क्योंकि ये कहाँ पे ये फॉलो होता है, साउथ रीजन में ये फॉलो होता था. तो नाउ वी गेट बिकॉज ऑफ दीज बरियल्स वी कैन नो कि साउथ में इन द डेक्कन रीजन व्हाट काइंड ऑफ स्टफ दे यूज टू ईट, कैसे एनिमल्स जो थे इनके पास में रहते थे, किस टाइप के टूल्स यूज करते थे, वेदर दे वर यूजिंग ऑफ द आयन या फिर किसी और चीज का टूल्स यूज करते थे, राइट. The science which enables us to dig the old mounds in a systematic manner is in successive layers and to form an idea of the material life of the people is called as the archaeology. तो यहाँ पे आपको archaeology का definition मिल गया, okay? From here to here, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, the science. क्योंकि obviously बात है, आर्कियोलॉजी में ऐसे थोड़ी अंधाधुंध जाकर के खुदाई करना स्टार्ट कर दिए भाई यहाँ तो आज अपन को कुछ मिलेगा करके, है ना. किसी ने अभी बोल दिया कि वहां पे जाओ, वहां पे सोना की खुदाई है, वहां पे सोने मिलेंगे, तो लोग अंधाधुंध खुदाई करने लगेंगे. ऐसा नहीं है. आर्कियोलॉजी जो हैव यू सीन एनी वीडियो और पिक्चर की किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं, इवन दे कैरी स्मॉल ब्रशेज ऑल्सो चीजों को क्लीन करने के लिए, बहुत ध्यान से काम होता है. अगर आपने थोड़ी सी गलती करी तो पता चला कि पूरा जो साइट है उसका कोई इंपॉर्टेंट चीज ही आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. ओके, सो दैट इज वेरी, दिस वर्क इज समथिंग जो कि बहुत ही केयरफुली किया जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डेटिंग इज आल्सो बीइंग डन ना. ऐसा थोड़ी है कि आपने जो है बस देख लिया, सोच लिया और जो है बस काम खत्म, ऐसा नहीं होता है. व्हेन यू आर एक्सकेवेटिंग एनी साइट, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि कोई साइट देखा, ठीक है, वो देखेंगे कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, क्या तरीके की चीज है. पॉट्स हैं तो पॉट्स कैसे हैं, छोटे पॉट्स हैं, बड़े पॉट्स हैं, उसके ऊपर पेंटिंग्स कैसी हैं, विदाउट पेंटिंग्स हैं या फिर पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स है भी तो कौन सा है, रेड कलर वाला है या फिर ब्लैक कलर है उसके ऊपर, उसके ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं कि कौन से पैटर्न्स हैं. ये सारी डिटेल्स को देख करके दे कैन टेल यू कि ये जो है कौन से टाइम पीरियड का है साइट. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक स्टडी ओनली. आपको आई डोंट नो इस चीज में इतना इंटरेस्ट है कि नहीं, मैं ही थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ा रही हूँ. आप लोग लग रहे हो यस मैम, ओके मैम, थोड़ा फाइंड करो, इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बारे में देखो. ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिस्ट की चीजें. When you will see ना, then you will get an idea कि कितना दिमाग लगाते हैं ये लोग. अच्छा, तो मूवी तो नहीं देखी मैंने, बट येस दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. मतलब आई तो फील वेरी एक्साइटेड जहाँ पे भी हिस्ट्री का चीज आता है. ओके, एंड स्पेशली जो आर्कियोलॉजिस्ट जिस तरीके से चीजें करते हैं, यू नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस, यू नो, कि इतनी बड़ी साइट है उसको फिर खुदाई करना, क्लीन करना, फिर उसके बाद उसके बारे में स्टडी करना, इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस. ऐसे नहीं है कि बस हो गया. सो इट इज अ काइंड ऑफ साइंस विच एनेबल्स अस टू डिग द ओल्ड माउंड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. यू आर सपोज टू डिग एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर. बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में सारी चीजें होती हैं. खैर, नाउ द मटेरियल रिमेन्स रिकवर्ड एज अ रिजल्ट. The material remains recovered as a result. Excavation and exploration are subjected to the various kind of scientific examination. जैसे मैंने कहा कि जो भी चीज है उसकी डेटिंग करेंगे वो लोग, कि कौन से प्लेस की है, मतलब कौन से टाइम पीरियड की है, किस चीज का बना हुआ है, क्या है, कैसा है. इवन द बोन्स ऑल्सो, एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं ना, दे पुट दैट ऑल्सो अंडर साइंटिफिक स्टडी, बिकॉज एनिमल्स के बोन्स से दे गेट टू नो कि ये डोमेस्टिकेटेड था या फिर वाइल्ड एनिमल था. क्योंकि डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनका फूड डिफरेंट होता है. अभी भी आप देख लीजिए, जो घर में एनिमल्स आप रखे होंगे ना, उनको बड़े पिलाड़ प्यार से रखे होंगे, उनके टीथ भी थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं बिकॉज द काइंड ऑफ फूड यू आर गिविंग. यस, द पीपल हु ईट नॉन वेज,
उनके इधर वाली जो टीथ होती है उधर देखिएगा थोड़ा सा शार्प रहता है, लेकिन जो वेज हमेशा से वेज खाएंगे उतना शार्प टीथ नहीं होगा इधर वाला। बेसिक चीज कभी कंसीडर नहीं किए होंगे कि ऐसा भी कुछ होता है करके, है ना। ये सारी चीजें स्टडी वाली चीज ना, जो हर किसी को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। सो दे स्टडी द टीथ ऑल्सो, दे स्टडी द बोन्स ऑल्सो, एंड फ्रॉम देयर दे गेट टू नो कि वेदर इट इज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल और द वाइल्ड एनिमल। इवन द डॉग्स में भी डिफरेंस होगा ना, वाइल्ड डॉग्स भी होंगे और ये डोमेस्टिकेटेड डॉग्स भी होंगे। सो हाउ दे गेट टू नो, ऐसा थोड़ी है कि टाइम मशीन लेकर के गए कि हाँ ये डोमेस्टिकेटेड था कि कैसा था करके जानने के लिए, है ना। सो दैट इज द रीजन। खैर, सो साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें कि रेडियो कार्बन मेथड ये लोग डेटिंग का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कौन सा जो है ये चीज कौन से टाइम पीरियड का है और क्या चीज है। ओके, नाउ दस ऑन दिस बेसिस इट इज सजेस्टेड दैट एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान एंड कश्मीर एज फार एज दैट ऑफ द 6000 BC बिफोर क्राइस्ट BCE। बीसी बोलने में थोड़ा अजीब लगता है ना। सो यहाँ पे जो है राजस्थान एंड कश्मीर में जो है इट यूज टू बी एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस होता था, ठीक है, 6000 years। द नेचर एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट्स आर एनालाइज्ड। एज आई टोल्ड यू कि कौन सा पॉट है, क्या डिजाइनिंग है, क्या चीज है, वो सारी चीजें दे स्टडी, एवरीथिंग दे स्टडी, एंड देन ओनली वी गेट टू नो कि ये कौन से टाइम पीरियड का और कहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता था। ओके, मेरे से ही नहीं। कॉफी बोलो। नहीं, सही है। हाँ, आप करो, आप करो, आप करो। इफ यू हैव एनी डाउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हाँ जी, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे। क्या 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 देखिए, एक्चुअली होता क्या है, यू हैव टू स्टिक टू व्हाट एवर इज गिवन इन दी बुक। ओके, जो बुक में है उसी हिसाब से आपको सोचना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस उसमें नहीं लिखना है। यू हैव टू स्टिक टू दैट। इवन इफ यू नो, सी आर्यन इन्वेजन को लेकर के देर आर लॉट मेनी स्टोरीज, बहुत सारे थेरीज है इस चीज को कि आर्यन इन्वेजन हुआ है, लेकिन देर आर मेनी प्रूफ, बहुत सारी चीजों को लेकर प्रूफ भी है कि नहीं हुआ है। आर्यन इन्वेजन जैसी कोई चीज है नहीं, बट यू कांट राइट दैट, यू कांट, बिकॉज हमारे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं यही एनसीईआरटी मेनली सोर्स है, उसमें आर्यन इन्वेजन दिया है, इट मीन्स आर्यन इन्वेजन हुई है। इफ इन फ्यूचर दे चेंज दिस थिंग तो हम लोग उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा एक और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आर्यन इन्वेजन? यस, सती, सती प्रथा को लेकर के भी बहुत ज्यादा हाइप रहता है कि सती प्रथा वॉज वेरी मच प्रेवलेंट इन इंडिया, बट ऐसा नहीं है, इट वॉज नॉट दैट मच प्रैक्टिस इन इंडिया। हर जगह इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होते थे, बहुत कम जगह पे होता था, लेकिन होता था, बट इट वॉज देयर। बट इसको पोर्ट्रे किस हिसाब से कर दिया गया है, दैट इट वॉज वेरी मच प्रेवलेंट इन इंडिया। राजा राम मोहन दास, सॉरी राजा राम मोहन रॉय, दास बोल दिया, सॉरी, राजा राम मोहन रॉय। ओके, तो ही बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दिस सती थिंग। वॉज ही एक्चुअली प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म? वॉज ही द पर्सन लाइक ब्रिटिशर का कोई बंदा तो नहीं था वो? वेन ही डाइड, वेयर ही वॉज, वेदर ही वॉज बरिड और ही द रिचुअल राइट्स लाइक हिंदुइज्म वॉज फॉलोड, इस सारी चीज को लेकर के प्रूफ है, बट वी कांट राइट दोज थिंग्स बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। एनसीईआरटी में अगर किसी को महान बोल रहा है, किसी को खराब बोल रहा है, तो जैसे बोल रहा है वैसे ही यू हैव टू राइट, अपने नोशंस नहीं लिखने। अब जैसे पार्टीज को लेकर के अपने अपने नोशन होते हैं, है ना, सम पीपल आर सपोर्टर्स ऑफ कांग्रेस, सम पीपल आर ऑफ दैट बीजेपी के हैं,
ठीक है, तो वो सारी टाइप की चीजें भी यू कांट राइट इन द मेंस, यू आर नॉट सपोज टू, उसको हिंट भी नहीं देना है, नहीं तो मार्क्स गए। होगा आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, डोंट वरी, वो भी चीजें करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ऑल दोस थिंग्स। तो ये चीज का तो ध्यान पक्का रखो कि ऐसा कुछ भी जो है नहीं करना है, बायसनेस नहीं, हिस्टोरियंस की बायसनेस है, यस दैट इज देयर, ओके, लेकिन हमको उसी पर्सपेक्टिव से जाना है जिस पर्सपेक्टिव से बुक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट कम्स इज दैट ऑफ द क्वाइट्स, नो ब्रेक मैम, ओके, ऑडियो आई गेस ऑडियो इज क्लियर, ऑनलाइन है। नाउ लेट्स सी दी पॉइंट्स, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स से भी वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, सील्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स है, ठीक है, व्हेन वी एक्सकेवेटेड दैट दो वी हैवंट डिसाइफर्ड देयर स्क्रिप्ट, हमने अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए कि वो बेसिकली लिखते क्या है भैया, वो जो सिंबल्स है वो क्या है, वी डोंट नो ऑल दीज थिंग्स राइट, बट वो सील्स को देख करके वी कैन अंडरस्टैंड अ लॉट मेनी थिंग्स। अब जैसे कि सील्स है, वेयर इन यू कैन सी सम एनिमल इज हैज बीन ड्रॉन ओवर देयर, मतलब इसको जो है यहाँ पे कार्व किया हुआ है, उसके बाद समथिंग इज रिटन ओवर हियर राइट। जनरली वो लोग कैसे लिखते थे, यहां से राइट टू लेफ्ट की तरफ, ओके, अब ये कैसे पता चला कि राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखे हुए, हाउ, सी दिस इज द पेज, ओके, जब आप यहां से लिखना शुरू करते हो योर सेंटेंस फिनिश्ड, ठीक है, लेकिन जब आप राइट से लिखना शुरू करते हो आपका सेंटेंस फिनिश हुआ यहाँ पे। बाय एग्जामिनिंग इन दिस वे ओनली वी गेट टू नो कि ये लोग जनरली जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते, दे यूज टू राइट, ओके, पिक्टोग्राफिकल है, पिक्टोग्राफिकल मीन्स उसमें पिक्चर भी है एंड उसमें लिखा भी हुआ है, सो दे माइट बी यूजिंग इट फॉर द एजुकेशनल पर्पस ऑल्सो। ये सारा हमारा जो है एग्जामिनेशन है, हम ये चीजें देख करके सोच रहे हैं, ओके, सील्स जो है दे वी हैव फाउंड सील्स इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में हमको बेसिकली मिला है, रेक्टेंगल में भी, सर्कुलर में भी, जनरली स्क्वायर में भी हैव फाउंड, ओके, तो वो देख करके क्या पता चलता है, दे नो द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के बारे में उनको पता था, दिस इज द वे वी एनालाइज थिंग्स, ओके, किस टाइप के वर्डिंग्स यूज करते थे वो पता चल गया, किस टाइप के एनिमल्स ड्रॉ करते थे, किस टाइप के एनिमल्स दे न्यू, वी गॉट टू नो दैट, वन सील इज वेरी फेमस, दैट इज द पशुपति सील, वी विल बी डूइंग इन द क्लास राइट, फ्रॉम दैट पशुपति सील ओनली यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सील को सिर्फ देख करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन से एनिमल्स वो लोग जानते होंगे, तो कुछ एनिमल्स वहां पर ड्रॉ कर दिए, डियर इज देयर in the yogic posture that particular person is being sitting, matlab wo jo baitha hua hai basically karke, theek hai, to wo sahi, to seals jo coins hoti hain usse aapko bahut sara information milta hai, they might be using it for the this amulet purpose also, amulet matlab tabiz ke taur pe bhi isko use karte the, govind please coffee bol dena to, theek hai, to amulet purpose se kaise pata chala, कैसे उसमें होल होगा कहीं तो बांधेंगे ना, किसी भी तरीके से तो बांधे होंगे, हो सकता है कि होल यहाँ पे ऐसे करके हो या फिर यहाँ पे कोने में हो, अभी भी पीपल दे हैव इट ऑन देयर हैंड, मेनी पीपल है ना उसको हाथ पे बांधते हैं, गले में लेते हैं, नॉल, सो दिस इज हाउ वी आर रिलेटिंग, एंड यू विल बी शॉक टू नो दिस थिंग कि काजल भी जो है उसी टाइम से यूज हो रहा है, सिंदूर भी जो है वो उसी टाइम से यूज हो रहा है, so lot many things we are following since ages, ये सारी चीजें history से पता चलती है। खैर coins भी जो है हमको अच्छे खासे number में different places से मिली है when we started digging, and the study of the coins is called as the, yes,
द एंशियंट इंडियन करेंसी वॉज नॉट इशूड इन द फॉर्म ऑफ द पेपर लाइक द वे वी हैव एज ऑफ नाउ. हम लोग जो पेपर में यूज करते हैं ना, उस टाइम वो लोग कॉइन्स में था, सिल्वर. बहुत अमीर लोग थे, हम लोगों तो लूट के चले गए, है ना. नहीं तो आज हम लोग आज भी कॉइन्स गोल्ड में शेयर कर रहे होते. स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी वो बार क्या मतलब ये इस हिसाब से करते थे वो क्या यस तो वो वाले फॉर्म में ये लोग बेसिकली यूज़ करते. जैसे कि मेरे पास टमाटर है, आपके पास आलू है, तो आई नीड आलू, यू नीड टमाटर, सो हमने एक्सचेंज कर लिया. पर ऐसा जनरली होता नहीं है, है ना. तो लेटर ऑन दे रियलाइज कि नहीं, हमको कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म रखने की ज़रूरत है, राइट. सो देन द कॉइन्स केम इन टू बींग. ठीक है, तो कॉइन्स को लेकर के ट्रेडिंग करना जो है वो पता चला हमको, मतलब ट्रेडिंग करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया. सो दे वर नॉट यूजिंग द पेपर बट दे वर यूजिंग द कॉइन्स, एंड दिस कॉइन्स वर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लाइक दैट ऑफ द कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड. इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस किस टाइप के, मतलब किस किस चीज के बने होते थे. तो कॉपर के, लेड के, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड के बने होते थे. कॉइन माउंट्स मेड ऑफ बर्न क्ले हैव बीन डिस्कवर्ड इन द लार्ज नंबर्स. कॉइन माउंट्स, अभी हमको साइट्स बहुत सारे मिले हैं जहां से कि वी कैन फाइंड आउट कि यस यहां पे कॉइन्स बनते थे, क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर मिला है, उसके जो है वहां पे पार्टिकल्स मिले हैं. सपोज कि अगर मैं कुछ लकड़ी का कोई चीज बना रही हूँ, ठीक है, आई एम कटिंग, आई एम कार्विंग समथिंग ऑन द वुड, राइट. सो वेयर एवर आई विल बी डूइंग और द ग्रुप ऑफ पीपल विल बी डूइंग, वहां पे उसका जो सामान जो भी निकलेगा वो वहीं पे पड़ा रहेगा ना, ओके. जमीन पे है तो वो लेयर बाई लेयर बनती गई. यहाँ पे तो मेटल्स हैं तो मेटल्स वॉन्ट बी डिस्ट्रॉयड, लकड़ी की वो सारी चीज तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बट दोज साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी गेट टू नो कि वहाँ पे वो चीजें मैन्युफैक्चर होती थी, ओके. तो इस टाइप के साइट्स कॉइन्स के जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते थे तो वो मिले हैं, बर्न क्ले मिले हैं. मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द कुशान पीरियड, दैट इज द फर्स्ट थ्री क्रिश्चियन एरास, क्रिश्चियन सेंचुरीज, फर्स्ट थ्री, वन टू थ्री थर्ड, ठीक है. तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारे जो कॉइन्स थे वो बनते थे. पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो है द यूज ऑफ सच मोल्ड्स इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड. सो इट मीन्स पोस्ट गुप्ता पीरियड में अगर कॉइन्स का बनना कम हो गया है तो इससे क्या पता चलता है, ट्रेडिंग कम हो गई है. इसका मतलब जो है उस टाइम इकोनॉमी गड़बड़ थी, इस वजह से जो कॉइन्स जो है वो उतने नहीं बन रहे थे. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एनालाइज चीजों को. यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली उतना हर एक वर्ड नहीं लिख के दे देगा, हर एक सेंटेंस, राइट. नाउ सिंस देयर वाज नथिंग लाइक द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, एंशियंट टाइम पीरियड में बैंकिंग तो था नहीं, पैसे ज्यादा हैं यार, अब क्या करें, बैंक में जाके डाल देते हैं, सेव रहेगा. तो उस टाइम क्या करते थे, दे यूज टू पुट इट इन द पॉट्स एंड उसको जो है स्पेशल कहीं पे रख देंगे जहां से कि उसकी चोरी ना हो करके, या फिर वो सेफ्टी पर्पस से सही ढंग से वहां पे रहे करके. सो देयर पीपल डिपॉजिटेड मनी इन अर्दन वेयर, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, जो भी पॉट्स होते थे उसमें, एंड ऑल्सो इन द ब्रास वेसल्स एंड मेंटेन्ड देम एज अ प्रेशियस होर्ड्स, एंड दे यूज टू यूज इट व्हेनेवर, जब भी उस चीज की नीड पड़ी तो उसमें से निकाल करके उसको यूज कर लिया उसने, उन लोगों ने, राइट. नाउ मेनी ऑफ दीज होर्ड्स कंटेनिंग नॉट ओनली इंडियन पॉइंट्स बट ऑल्सो दोज व्हिच वर मिंटेड इन द रोमन एम्पायर. तो यहाँ पे रोमन एम्पायर का कॉइन क्या कर रहा था, तो अगर यहाँ पे रोमन एम्पायर का कॉइन था देन वॉट इट सिग्निफाइज, इट मीन्स दैट की ट्रेडिंग होती थी, ओके. यहाँ से लोग वहां पे भी जाते थे, वहां से यहाँ पे भी आते थे. यहाँ के कॉइन्स दूसरे देश में भी मिले हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, वहां पे भी सील्स मिले हैं, राइट. तो इट मीन्स दैट की ट्रेडिंग होती है यहाँ से वहां. सो इट मीन्स दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम दीज पीपल वर अवेयर कि हमारे आस पास भी कुछ लोग जो है वो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में रहते हैं, एंड दे मस्ट हैव, मतलब वहां पे जाके वो जर्नी किए होंगे तभी तो पता चला होगा. ऐसे थोड़ी कि टेलीफोन मिला देते हैं, या फिर वो कोई मिल गया वाला डिंग डोंग करेंगे तो क्या पता वहां से सिग्नल वापस आ जाए करके, है ना. तो वो वाला वो तो नहीं था. तो दे मस्ट हैव ट्रैवल्ड, ट्रैवलिंग हर किसी के, मतलब हर सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा बंदा रहता ही जिसमें एडवेंचर करने का बहुत बड़ा कीड़ा रहता है, ओके. तो समवन मस्ट हैव डन समथिंग लाइक दिस, उसने एकदम पता कर लिया होगा, उसके बाद एक जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई.
ओके सो दिस यूज्ड टू हैपन एंड दे वी हैव फाउंड द कॉइंस ऑफ द रोमन एम्पायर ओवर हियर इन इंडिया एज वेल. नाउ दे आर प्रिजर्व्ड मोस्टली इन म्यूजियम्स ऑफ द कैलकटा, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे एंड दैट ऑफ द मद्रास. ये सारे म्यूजियम्स में है एंड बहुत सारी चीजें जो है अंग्रेज भी लेकर के हमारे से चले गए हैं. एंड यू कैन फाइंड इट इन द म्यूजियम्स ऑफ द वेरियस अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक दैट ऑफ द आर नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड दैट ऑफ द अफगानिस्तान ऑल्सो, क्योंकि ये पूरा जो भारत का रीजन इतना बड़ा हुआ करता था, राइट. तो यू कैन फाइंड ऑल दीज काइंड ऑफ कॉइन्स इन द वेरियस अदर प्लेसेज एज वेल. ओके सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स व्हेन दे केम ओवर हियर इन इंडिया दे टुक अलॉट मेनी थिंग्स. कभी देखा है आपने ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का चोर बाजार? हैव यू सीन? उसको देखना कभी, चोर बाजार, दे म्यूजियम. ये लोग एकदम सही बात बोलते हैं कि पिरामिड्स छोटे नहीं थे, वरना वो भी उठा करके वो लोग लेके चले गए होते. एग्जैक्टली. सो दो यू कैन फाइंड एवरी थिंग. बुद्धा के भी कितने सारे मूर्ति हैं, विष्णु भगवान के वहाँ पे जो है आपको स्कल्पचर्स वो मिले होंगे, जो कि टेम्पल से तोड़ के उखाड़ करके लेकर के चले गए दीज पीपल. सो यू कैन फाइंड इट ओवर देयर इन देयर ब्रिटिश म्यूजियम विच इज देयर इन द लंडन. इसको यूट्यूब पे सर्च जरूर करना, यू विल लाफ लाइक एनीथिंग, है ना. तो ये एक चीज है. नाउ सो in the starting what happened, these points were having some kind of symbols in them, like in the Indus Valley civilization they were having something written which we haven't deciphered, and then some animals ka kuch bana diya ya fir koi bhi cheez jo structure type something they made it over there. But later on what happened, on these points you can find the names of the kings, you can find the names of the gods and even the dates also you can find. It means that आप जो है उस पॉइंट को देख करके ये बता सकते हो कि कौन से टाइम पीरियड का था. मतलब पॉइंट देख लिया एंड यू कैन फाइंड आउट द अबाउट द किंग आल्सो. जैसे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड के जो है आपको कॉइन्स मिलेंगे एंड इन दोज कॉइन्स समुद्रगुप्ता इज प्लेइंग वीणा जो है वो बजाते हुए. इट मीन्स दैट ही वॉज म्यूजिक लवर, है ना. तो इसी तरीके से लिख करके यू आर सपोज टू रिमेम्बर द थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, ठीक है. तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा. नाउ द एरियाज वेयर दे वर फाउंड इंडिकेट द रीजन ऑफ देयर सर्कुलेशन. ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई चीज कहीं पे मिली इट मींस वो वहां तक सर्कुलेट होती थी दैट पॉइंट. सो इट मींस दैट द पॉइंट्स वेयर एवर वी हैव फाउंड दे मस्ट हैव बीन सर्कुलेटिंग ओवर देयर एज वेल. लाइक द रोमन एम्पायर का यहाँ पे मिला, यहाँ का वहां मिला, इट मींस यहाँ तक सर्कुलेशन जो थी वो होती थी. दिस हैज एनेबल्ड अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री इन सेवरल ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज, एस्पेशली द इंडो ग्रीक्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान एंड रूल्ड हियर इन द सेकेंड एंड द फर्स्ट सेंचुरी. सो दे केम ओवर हियर व्हेनेवर एनी पीपल, सी द मर्चेंट्स, व्हेनेवर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द किंग्स, द मर्चेंट्स, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, दे व्हेनेवर वेयरएवर दे गो, वेयरएवर दे वेंट बेसिकली, तो वहां पे क्या करते थे, दे यूज टू टेक देयर फूड अलॉन्ग विद देम, द लैंग्वेज अलॉन्ग विद देम, द मटेरियल वट एवर दे वर सपोज टू सेल, जो भी चीज उनको स्टफ जो भी सेल करनी थी वो लेके जाते थे. आप जब दो लोग सपोज आपके घर में ही या फिर आपके एरिया में कोई आया फ्रेंडली पर्सन आया दूसरे कंट्री का, यू विल बी गोइंग टू देम. अब वहां पे जाओगे उससे जो है बात करोगे, बात करने के बाद द पर्सन विल बी टॉकिंग अबाउट हिज लैंग्वेज और हिज और हर फूड के बारे में, तो यू विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि हाँ हम भी ट्राई करना चाहेंगे, है ना. तो जब ट्राई करते हो तो फिर लगता है कि हाँ अच्छी है, फिर उस चीज को सर्कुलेट करने लगते हो इधर से उधर, है ना. तो वही चीज यहाँ पर भी है. तो जब भी जो रूलर्स आए इंडिया में दे केम अप विद सम आइडियाज, दे केम अप विद देयर ओन लैंग्वेज, रिलीजन और वट एवर थिंग्स, ठीक है. एंड उस चीज को जो है यहाँ पर इंडिया में अपने साथ लेकर के आए, तो लोगों ने भी उसको अपनाना शुरू किया. बिकॉज प्रजा जो थी जैसी राजा वैसी प्रजा, ऐसा था. ओके नाउ द पॉइंट्स आल्सो थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री एज वेल. अब जैसे कि अगर गोल्ड के कॉइन्स मिल रहे हैं किसी टाइम पीरियड में, तो हाउ वुड यू फील, कैसा लगेगा?
है ना। अब जैसे आपको डॉलर्स दे दे और रुपया दे दे, तो यू विल बी पिकिंग डॉलर्स, उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। तो कॉइन्स जो है वो कितने अमाउंट में मिली है, किस चीज की मिली है, कहाँ मिली है, उससे यू कैन फाइंड आउट कि इकोनॉमिक हिस्ट्री उस टाइम पीरियड की जो है वो कैसी होगी। लाइक वी गॉट टू नो दिस थिंग, एक मिनट, कि ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये जो इनका इनका जो बनने का जो मिंटिंग होना ही थी जहां पर, वो ऑलमोस्ट गायब सी हो गई थी, है ना। तो उससे पता चला इसका मतलब कि जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी इस वजह से। सो यू कैन फ्रॉम द पॉइंट्स ओनली यू कैन फाइंड आउट कि ये इकोनॉमिक हिस्ट्री उस टाइम पीरियड की जो है वो कैसी होगी। सम कॉइन्स वर इशूड बाय द गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड द गोल्डस्मिथ्स आल्सो। सो रूलर जो है एक तरीके से परमिशन दे देता था, मैं गोल्डस्मिथ तो मैं बना रही हूँ कॉइन्स, तो रूलर से मैंने परमिशन ले ली, तो आई कैन रिलीज, आई कैन गिव द कॉइन्स जो है, मैंने कॉइन्स बना बना करके बेसिकली दे दिए, मर्चेंट्स जो है वो भी कॉइन्स दे दिए। हाँ जी बोलिए। अभी दिवाली के टाइम में लोग देखते नहीं है, कॉइन्स देखते होंगे, उसके ऊपर डेट्स लिखे रहते हैं, नहीं देखे? ओके, आई विल शो, ठीक है, कल मैं जो है पीडीएफ में लेकर आऊंगी इस तरीके से। खैर, बुक से पढ़ना इज गुड, या फिर पीडीएफ से पढ़ा दे आपको डायरेक्टली, या फिर जो किस तरीके से करे, व्हाट यू फील, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं तो एनीवे बच्चों को जो है किस हिसाब से आपको लग रहा है बुक ज्यादा बेटर है? एनी एनी अदर सजेशन? वेर एवर नीडेड आई विल ट्राई टू इंक्लूड इमेजेस ऑल्सो, जहां जहां मेरे को लगेगा कि इमेज, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे इमेजेस की रिक्वायरमेंट आगे होगी। अभी तो सिंपल है, सिर्फ आपको एक तरीके से इंट्रो कराया जा रहा है हिस्ट्री में। ओके, खैर चलो, अच्छा है कि पीपल आर लाइकिंग दिस थिंग। ओके, नहीं, वेयर इज दैट कॉफी? फोन कर दो उसको। नाउ पॉइंट्स हेल्प ट्रांजैक्शंस ऑन अ लार्ज स्केल एंड कंट्रीब्यूटेड टू ट्रेड आल्सो, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थी कि गोल्डस्मिथ एंड मर्चेंट्स भी कॉइन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, ओनली रूलर्स का वो नहीं था, एक छत्र राज जो कहते हैं कि वी विल बी ओनली डूइंग दिस थिंग, सो दैट वाज नॉट ओनली देम। वी गेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पोस्ट मौर्यन टाइम्स, मौर्य टाइम पीरियड के बाद में जो है कॉइन्स का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने के लिए मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज वर मेड ऑफ द लेड पॉन्टिन, दिस कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड। द गुप्तास इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स जो है वो कुषाण टाइम पीरियड में भी थे, लेकिन गुप्ता के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हुआ, क्योंकि इंडिया बहुत फ्लरिश कर रही थी उस टाइम पीरियड में। All this indicates that the trade and commerce flourished, especially in post-Maurya and that of the Gupta time period. कॉइन्स में हमने क्या क्या देखा, किस किस चीज के, किसी भी सिंबल हो सकती है, कोई भी सिंबल होता है, कुछ भी लिखा हुआ जा सकता है, एंड डेट्स वर ऑल्सो देयर, किंग्स वर ऑल्सो मेड ओवर देयर विद द डिफरेंट पोस्चर्स एंड ऑल उस चीज में। इसके अलावा कॉइन्स में रिलीजियस सिंबल्स भी जो थे वो भी उसके ऊपर बने रहते थे, एंड अपार्ट फ्रॉम लेजेंड्स ऑल्सो। स्पेसिफिकली इस टाइप से नहीं, जैसे कि कोई भी आपने इमेज देखा उसको लेकर के आप रिलेट कर रहे हो कि हो सकता है कि इस टाइप की कोई चीज उस टाइम पीरियड में होती होगी, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं सोसाइटी को लेकर के मेंशन रहती थी। ओके, आई विल बी प्रोवाइडिंग द पीडीएफ, आई विल बी, ओके, हम क्या करते हैं ना, एक एनसीईआरटी मॉड्यूल वाला वो बना लेते हैं टेलीग्राम चैनल। ओके, इन दैट टेलीग्राम चैनल आफ्टर एवरी क्लास आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ।
जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हाईलाइटेड रहेंगी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप लोग अपना अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो यू पीपल कैन डू दैट। नेक्स्ट इज द इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस फार मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉइन्स आर दैट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। देयर स्टडी इज कॉल्ड एज द एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ द ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड एज द पैलियोग्राफी। डेफिनेशन है ये सारी चीजें, ओके। इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन द सील्स। सील्स पे इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे, स्टोन पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, इसके अलावा आपको रॉक्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स, ब्रिक्स और दैट ऑफ द वेरियस इमेजेस आल्सो यू विल फाइंड द इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करके रखे होते। इन द कंट्री एज अ होल द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ऑन द स्टोन। स्टोन पे पहले, सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस जहाँ पे हमको देखने के लिए मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? स्टोन्स के ऊपर मिले हैं, ओके। बट इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा कॉपर प्लेट्स बिगन टू बी यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। पहले स्टोन के ऊपर इंस्क्राइब्ड कर दिया, लेटर ऑन उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो कॉपर की प्लेट्स शीट्स बनाने स्टार्ट कर दी उसके ऊपर वो लोग करते थे। प्लीज राइट डाउन ये सारी चीजें, जहां पे भी लगे इंपॉर्टेंट है उसको लिखो। Okay, even then the practice of engraving inscriptions on stone continued in the South India for really very long period. South India भी तो बहुत time period तक था। लोग तो जो temples बनाते थे उसके ऊपर भी inscriptions, जहाँ पे भी जरूरत होता था वहाँ पे they used to write कि किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया, कौन king था and all, और किसी तरह कोई information देना है तो वो सारी चीजें भी they used to put in over there, right? We have also in that region a large number of inscriptions recorded on the walls of the temples to serve as a permanent records. Because अब स्टोन पे कोई चीज है ना, अब जैसे कि बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उस पे तो निब्बा निब्बिस जाते हैं उसके बाद लिख देते हैं कि ये loves this and this, है ना। जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकली जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस चीज को खराब कर देते हैं। दे डोंट रियलाइज दिस थिंग। थैंक यू। लगता है हमको आज मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने चैप्टर एक दिन में हो पाएंगे, है ना। खैर, बट आई लेट यू नो कि कल कौन सा पढ़ के आना है तो आप लोग अपना वो पढ़ के आ सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, राइट। नाउ वी हैव आल्सो हैव अ रीजन, ओके, ये तो हो गया। लाइक पॉइंट्स इंस्क्रिप्शंस आर प्रिजर्व्ड इन द वेरियस म्यूजियम्स ऑफ द कंट्री। एज ऑफ नाउ जो है हमारा डिफरेंट म्यूजियम्स में वी हैव प्रिजर्व्ड दीज इंस्क्रिप्शंस लाइक दैट ऑफ द एपिग्राफिस्ट मसूरी में, मैसूर वहाँ पे जो है इसको प्रिजर्व करके रखा है चीफ एपिग्राफिस्ट की जो ये ऑफिस है वहाँ पे। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। फिर से आ गया प्राकृत लैंग्वेज। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हमको कौन से टाइम पीरियड का मिल रहा है? प्राकृत लैंग्वेज का मिल रहा है। और ये कब हो रहा है? 3rd century। फैक्ट सही है। संस्कृत इट वॉज अडॉप्टेड वे लेटर और काफी ज्यादा आगे, मतलब ये जो है 2nd century AD में, वो BCE में है प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। एंड यहाँ पे ये संस्कृत जो है 2nd century AD में आकर के है, ये आफ्टर क्राइस्ट एरा की बात है, ओके। BCE की जब बात आती है तो क्राइस्ट एरा, जो क्राइस्ट की जब जन्म हुई
उससे पीछे वाला सिचुएशन चलता है, ठीक है। ये जीरो माना गया, सपोज दिस इज जीरो, देन 1 2 3 4 इस तरीके से, इस तरीके के गए। और उधर से जब आप ये आज के टाइम पीरियड में आएंगे तो पहले आएगा 10th सेंचुरी, देन 9th, देन सपोज उसके बाद जो है लेटर ऑन 3rd 2nd 1, उसके बाद जो है फिर ये एडी वाला, ये सीधा सीधा स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला हमारा जो है ये उल्टे आते हैं, ओके, ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा हिस्ट्री में, राइट। एंड व्हाई इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाई वी आर यूजिंग इट, लाइक यूजिंग दिस काइंड ऑफ, ये जो टाइमलाइन इस तरीके से हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज एक्सेप्टेड। व्हाई इट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि यूरोपियंस ने हर जगह थोप रखा है इस चीज को, ओके, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ये जो है नॉर्थ कोरिया इस चीज को फॉलो नहीं करता है, ओके। सो एंड वैसे ये चीज जो है करने की वजह से काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड भी है चीजें, नहीं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। लेकिन इसमें ये भी एक चीज दिखाता है कि दे इन एवरी एस्पेक्ट दे हैव पजेस्ड लाइक दिस, कि वो जो है क्या है, सुप्रीम है ना, सुपीरियर है एक तरीके से। खैर, नाउ तो 2nd सेंचुरी AD में संस्कृत जो है दैट वाज स्टार्टेड, इट वाज अडॉप्टेड एंड द यूज बिकेम वाइड स्प्रेड इन द 4th एंड दैट ऑफ द 5th सेंचुरी। संस्कृत जो है 4th एंड 2nd सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था उसका यूसेज, देन उसमें 4th एंड 5th सेंचुरी में आते आते क्या हो गया, ये काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। इवन द प्राकृत कंटिन्यूड टू बी एम्प्लॉयड, प्राकृत लैंग्वेज तब भी जो है वो चल रही थी, ओके, बट इंस्क्रिप्शंस बिगन टू बी कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस इन दैट ऑफ द 9th एंड 10th सेंचुरीज। 9th एंड 10th सेंचुरीज में क्या होने लगी, ये रीजनल लैंग्वेजेस में लिखने जाने लगे। पहले एक कॉमन लैंग्वेज था, प्राकृत हो गया या फिर संस्कृत था, बट लेटर ऑन जो रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप होने लगे तो इंस्क्रिप्शन अब क्या होने लगे, उस लैंग्वेज में लिखे जाने लगे, ओके। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस बियरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ मौर्या, पोस्ट मौर्या एंड गुप्ता टाइम्स हैव बीन पब्लिश्ड इन अ सीरीज ऑफ कलेक्शंस, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिका। इसमें जो है ये सारा मेंशन किया हुआ है इसके इंस्क्रिप्शंस को लेकर के, बट नॉट टू मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ पोस्ट गुप्ता टाइम हैव अपीयर्ड इन सच अ सिस्टमैटिक कंपाइलेशन। जो गुप्ता पीरियड के हैं सिस्टमैटिकली चीजें आपको मिल जा रही हैं, इंस्क्रिप्शन सारे मिल जा रहे हैं, लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड में सिस्टमैटिक तरीके से चीजें नहीं है। सी, हिस्ट्री इज समथिंग जो कि ना कभी भी रिन्यू हो सकती है। कैसे, कुछ नया एक्सकेवेशन हो गया है ना, अब पता चला कि हमारी हिस्ट्री भाई और पुरानी हो गई, फिर हमको वहां से पूरा देखना होगा। अभी पता चला कि बीच में कोई और एक नया एरा था, कुछ तो पीरियड था जिसके बारे में हमको नहीं पता था, तो वो एक एड ऑन हो जाएगा। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एक्सकेवेशंस, द डिस्कवरीज विच वी आर डूइंग, एंड जिस तरीके से चीजें मिलती जाएंगी हिस्ट्री उसी हिसाब से जो है लिखते जाएंगे, उसी हिसाब से होते जाएंगे, ओके। नाउ इन द ईस्ट ऑफ साउथ इंडिया, इंडियन टोपोग्राफिकल लिस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस हैव ब्रॉट आउट, स्टिल देयर आर मोर देन 50,000 इंस्क्रिप्शंस मोस्टली ऑफ साउथ इंडिया विच अवेट द पब्लिकेशन। ये बहुत पुरानी बुक है, लेकिन उस टाइम ये कह रहा है कि अभी भी 50,000 से ज्यादा इंस्क्रिप्शंस बाकी है, जिनके बारे में अभी हम जो इंफॉर्मेशन जो है डिटेलिंग में नहीं निकाली गई है, उसको पब्लिश नहीं किया गया है कि वो बेसिकली है क्या करके। द हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस, ये अभी तक जो है इसको डिसाइफर नहीं किया गया है, इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड बिकॉज वी डोंट नो द स्क्रिप्ट एट ऑल, वो क्या लैंग्वेज है। कभी बैठ करके उसको पैटर्न समझने की कोशिश करो, समटाइम्स पीपल से कि नहीं हमने डिस्कवर कर दिया है, लेकिन फिर बाद में जो है उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग, ऑब्वियसली बात है क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है करके, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाती है वो चीज, ओके। तो ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, एंड इट सीम टू हैव बीन रिटन इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखा था, ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई, पिक्टोग्राफिक पिक्चर भी है उस पे और लिखे भी हुए है, इन विच आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स। जो भी आइडियाज है, जो भी चीज आती है दिमाग में, उसको उन्होंने लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो बेसिकली किस में लिखी हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अशोका के स्क्रिप्ट किस में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, एंड दिस ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट में इसको लिखा रहता है, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बट सम वर ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी में भी थे एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी इसको लिखे गए हैं, खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी, विच वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट,
राइट टू लेफ्ट खरोष्ठी लिखी है, ब्राह्मी जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी है। तो इसका मतलब क्या है, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो वेरियस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रिवेल्ड इन द होल कंट्री, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये अपना पूरी कंट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्सेप्ट दैट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ ग्रीक एंड अरामाइक स्क्रिप्ट्स वर एम्प्लॉयड इन द राइटिंग अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं अशोका के वो अरामाइक स्क्रिप्ट के हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, हिंदी की कौन सी स्क्रिप्ट है, देवनागरी, एंड ये जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं उसकी कौन सी स्क्रिप्ट है, गुरमुखी है। तो वैसे ही स्क्रिप्ट्स होते हैं जिसको वी आर सपोज टू फॉलो दोस थिंग्स। तो यहीं पे अफगानिस्तान में अरामाइक स्क्रिप्ट जो है इसको बेसिकली यूज करके लिखा है वहां पे। ब्राह्मी, दिस ब्राह्मी कंटिन्यूड टू बी द मेन इंस्क्रिप्शन टिल दैट द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड, गुप्ता टाइम पीरियड तक ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो लिखते रहे, उसी चीज को ये लोग यूज करते, मेनली उसको यूज करते रहे। मेनली बोला है इसका मतलब और भी स्क्रिप्ट्स वो लोग यूज करते होंगे। नाउ एन एपिग्राफिस्ट कैन डिसाइफर मोस्ट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस। अब जो एपिग्राफिस्ट है उसको ये सारे इंस्क्रिप्शन समझ में आ रहे हैं, क्यों समझ में आ रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर्ड है, ही और शी नोज द स्क्रिप्ट, इस वजह से, अदरवाइज वो भी जो पर्सन है वो नहीं कर पाता। Now, but afterwards we notice strong regional variations in the script also. ना हर कदम कदम पे जो है हमारा लैंग्वेज बदल जाता है, भाषा सॉरी ये खान पान भी जो है वो भी बदल जाता है, वो भी एक चीज है। तो ये जो रीजनल लेवल पे जो चेंजेस आ जाते हैं तो उसको थोड़ा डिसाइफर करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा। अर्लीएस्ट स्क्रिप्ट्स की जब बात करते हैं तो हड़प्पन सील्स में आपको ये स्क्रिप्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नाउ द अर्लीएस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड दीज बिलोंग टू दैट ऑफ द 2500 BCE, है ना, ऑब्वियस ही बात है। नाउ दे हैव नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार, द ओल्डेस्ट दिस इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड सो फार वर इशूड बाय द अशोका, एंड ये कब का है, 3rd century BCE का है। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, अशोका के ये जो अशोका का इंस्क्रिप्शन था, फिरोज शाह तुगलक ने उसको उठा करके वो लेकर के आ गया मेरठ, एंड मेरठ में लेकर के वो आया और वहां पे लोगों मेरठ में जो था उसको लेकर के वो दिल्ली आया, और दिल्ली में लेकर के उसने लोगों को बुलाया कि जो भी डिसाइफर करने के लिए कि बेसिकली इसमें लिखा क्या है करके। सो ही ब्रॉट इट टू दिल्ली एंड आस्क्ड द पंडित्स ऑफ हिज एम्पायर टू डिसाइफर इट, बट इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज़ द इंस्क्रिप्शन डिफरेंट है। द सेम डिफिकल्टी वाज फेस्ड बाय द ब्रिटिश रूल व्हेन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी दे डिस्कवर्ड द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ये नहीं, ये देखिए अंग्रेज इंडिया में आए थे तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ऐसे ही लूटते जाते थे, दे यूज्ड टू पे अटेंशन, दे वर रियली वेरी स्मार्ट, they used to pay attention to the local stories also. Khajuraho temple उन्होंने कैसे ढूंढा था, वो local stories सुनते थे कि हाँ इस type की कोई story है किसी temple के बारे में, तो हम लोग क्या किया, सुने बस हो गया, मजे लिए चल दिए, right? लेकिन they paid attention to this thing and उन्होंने जंगलों में जाकर के वो temple को ढूंढा। तो ये लोग क्या करते थे, इस टाइप के इंस्क्रिप्शंस मिली कुछ भी, दे वर रियली वेरी क्यूरियस एंड मेनी इन मेनी वेज वी आर वेरी मच थैंकफुल टू देम, किस चीज के लिए, क्योंकि दे यूज टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ एवरीथिंग, भले वो शेयर करें ना करें लेकिन जो भी इवेंट्स होते थे उसको वो पूरा डिटेलिंग में मेंटेन करके रखते थे, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट टू नो अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री एंड वट एवर दे हैव डिस्कवर्ड अबाउट आवर पास्ट, क्योंकि ड्यूरिंग देयर पीरियड ओनली वी गेट टू नो अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, उन्हीं की वजह से हमको पता चला था। तो वो जो जितने भी एक्सकेवेशन हुए, जो भी चीज़ हो, सारी डिटेल में उन्होंने सारी चीजें मेंटेन करके रखी हुई है, तो सो इन सम वे थैंक्स टू देम। अब ये जो इंस्क्रिप्शन था, ये अशोका पिलर जो ये अशोकन इंस्क्रिप्शन लेकर के जो लेकर के आए कि भैया इसको डिसाइफर करो करके, तो कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया, बट देयर वाज अ मैन जेम्स प्रिंसेप जिसने 1837 में जो है इसको डिसाइफर किया।
एंड इसी के नेम पर जो है कोलकाता में एक घाट भी है, प्रिंसेप घाट इसको कहते हैं. एंड प्रिंसेप घाट इज वेरी मच फेमस फॉर द लव बर्ड्स ओवर देयर. ठीक है ना, द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, सम कन्वे रॉयल ऑर्डर्स. अब ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो जो भी कार्विंग करी गई, इंस्क्रिप्ट किया गया, ये चीजें क्या क्या चीजों से रिलेटेड थी. ओके, तो ये जो इंस्क्रिप्शन होते थे, समटाइम्स दीज वर द काइंड ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द किंग जो कि कॉमन लोगों को फॉलो करना है. सपोज मैंने कोई ऑर्डर दे दिया, मैंने इंस्क्राइब्ड कर दिया, तो जिसको भी जानना है उसको तो आप मिटा नहीं सकते हो. इट इज देयर ओवर देयर ऑन द स्टोन, उसको यू कैन नॉट जस्ट टेक इट ऑफ, राइट. तो वो वहां पे इंस्क्राइब्ड है, किसी को भी रूल्स एंड रेगुलेशन जानना है किसी चीज के लिए, जस्ट गो टू दैट इंस्क्रिप्शन, रीड इट एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है. ओके, सो व्हाटएवर ऑर्डर इज टू बी पास्ड फ्रॉम द किंग दैट इज रिटन. अपार्ट फ्रॉम दैट द डिसीजंस रिगार्डिंग द सोशल रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आल्सो. आपने अगर इस टाइप की चोरी की, इस तरीके की गलती करी, तो ये पनिशमेंट आपको दिया जाएगा करके. सो ऑल दोस थिंग्स आल्सो वर मेंशनड ओवर देयर. इंस्क्रिप्शंस में जो है वो सारी चीजें लिखवाते थे. अशोकन इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. एंड व्हेन इट कम्स टू द बुद्धिज्म जैनिज्म, तो वहां पे वो अपने रिलीजन से रिलेटेड चीजें लिखवाते थे, ठीक है, इंस्क्राइब करवाते थे. सो बुद्धिज्म जैनिज्म वैष्णविज्म शैविज्म, ये इनके जो फॉलोअर्स थे, दे इंस्क्राइब द थिंग्स विच वर रिलेटेड टू देयर डिवोशन. उनका जो डिवोशन है उस चीज को बेसिकली वहां पे वो मेंशन किया जाता था. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल अदर टाइप्स ऑफ यूलॉजीज द एट्रीब्यूट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स एंड द कॉन्करर्स एंड नेवर स्पीक of their defeats or the weaknesses. So basically ye log jo king hote the, they used to put in inscribe their about their victories, glorify karna apne cheez ko, apne win ko, jo bhi unhone jeeta hai to usko glorify kara karke inscriptions pe they used to write all those things, sari cheeze likhwana, ko apna jo order pass on karna hai, theek hai, to wo us type ki cheeze likhte, they never used to mention about their defeats. Obviously baat hai, koi apna jo hai weakness kyun batayega, है ना. वैसे भी अपनी वीकनेस किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, यू नेवर नो कि आपका वही वीकनेस कौन जो है आपके खिलाफ यूज कर ले, है ना. सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. नाउ टू दिस कैटेगरी बिलोंग्स द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्त ने जो है अपने ग्लोरीफाई कराने के लिए अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें लिखवाई हुई थी. नाउ फाइनली वी हैव मेनी दिस डोनेटिव पीरियड्स व्हिच रेफर स्पेशली टू दैट ऑफ द gifts of money, cattle, land, whatever have been gifted to any person. लेकिन राजा लोग क्या करते थे ना, गिफ्ट भी दिया करते थे, ठीक है, मैं तुमसे खुश हुआ, चलो ले जाओ ये जमीन तुम्हारे लिए, ये मंदिर टेम्पल्स को डोनेट कर दिए, ये जो एजुकेशन पर्पज के लिए कोई चीज दे दिए, तो वो टाइप के जो दान वो सारी चीजें होती थी, दे यूज टू इंस्क्राइब दैट ऑल्सो फॉर रिलीजियस पर्पजेज, वट एवर दे यूज टू डू, सो उस चीज को भी इंस्क्राइब करते थे दीज किंग्स. ओके, सो मोटा मोटा अभी आपको पता चल गया इंस्क्रिप्शंस में बेसिकली क्या होता है, क्या होता है बताओ, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं. ओके, एंड ये जो है अशोकन पिल, ये जो अशोका का इंस्क्रिप्शन था, किसने इसको किया था डिसाइफर जी, बड़ी जल्दी याद हो गया, मुझे तो लगा था आप नहीं बोल पाओगे, पढ़ के आए हो क्या आप लोग, हैं सही है तब तो आई शुड पैट माई सेल्फ फॉर दिस ना. ओके, वेरी गुड. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इंस्क्रिप्शंस थे इसमें क्या चीजें होती थी, क्या लिख रहते थे, विक्ट्रीज लिखते थे, राइट, दे नेवर मेंशन अबाउट देयर वीकनेसेस एंड ऑल, व्हाटएवर ग्रांट्स दे हैव प्रोवाइडेड, जिसको भी दिया हो करके, स्पेशली फॉर दी दिस थिंग, फॉर दिस पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए दिया करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट ये, हाँ, कॉइंस, किसने कहा कुछ, हाँ यस, रॉयल ऑर्डर्स वर ऑल्सो देयर, राइट, सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर. नाउ द लिटररी सोर्सेस. ओके, हाँ, ये चीज एक ध्यान में रखिएगा, ये जो जो भी इंस्क्रिप्शंस होते थे, दे वर यूजुअली रिटन इन द प्राकृत, संस्कृत, तमिल या फिर तेलुगु में लिखे रहते थे. तमिल तेलुगु साउथ में आ गया, प्राकृत और संस्कृत जो है जनरली नॉर्थ में, संस्कृत साउथ में भी यूज होता था,
ओके, संस्कृत साउथ में भी था। नाउ द लिटररी सोर्सेज, लिटररी सोर्सेज की जब बात आती है तो 2500 BC वहाँ पे भी है मेंशन, बट वी हैवंट डिसाइफर्ड, तो बेचारे हम क्या करें वहाँ पे। सो आर मोस्ट एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर नॉट ओल्डर देन द 4th century AD। मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स बोले तो दो स्क्रिप्ट्स व्हिच वर रिटन बाय द हैंड, यस हैंड रिटन, दो ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो हैंड रिटन है ये, आपको 4th century AD से ज्यादा पुराने आपको हैंड रिटन चीजें उतनी नहीं मिलेंगी। एंड हैव बीन फाउंड इन द सेंट्रल एशिया, वो भी सेंट्रल एशिया में मिला है। इन इंडिया दे वर रिटन ऑन द बर्च बार्क एंड द पाम लीव्स, बट इन सेंट्रल एशिया दीज वर रिटन, बट इन द सेंट्रल एशिया वेयर द प्राकृत लैंग्वेज हैड स्प्रेड फ्रॉम द इंडिया, manuscripts were also written on the sheep leather and that of the wooden tablets also. Wood के tablets होते थे, उस पे उन्होंने लिखा हुआ है, या फिर जो है वो sheep के leather उसके ऊपर inscribe किए, उसके ऊपर लिखे हुए हैं, या फिर जो मतलब ये तो basically उन्होंने कहाँ पे, ये central Asia में, central Asia में प्राकृत language में basically इन्होंने लिखा है। and in India over here birch bark and palm leaves में, please silent your mobile. Okay, now the next point is that peda hai ye, acha ye apne aap aise hi ho ja raha hai, khair देखिए उस टाइम में प्रिंटिंग का कोई सिस्टम तो होता नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है कि हाथ से, आज के टाइम में भी अगर आप कोई चीज़ टाइप भी करते हो, मैन्युस्क्रिप्ट पहले बोला जाता है, जो भी आपका रफली जो भी चीज़ आपने लिखा हुआ है दैट इज द स्क्रिप्ट। खैर, सो नाउ ऑल्दो ओल्ड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, दे मोस्टली बिलोंग टू दैट ऑफ द साउथ इंडिया, कश्मीर एंड नेपाल। कश्मीर, नेपाल, साउथ इंडिया में जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे। एट प्रेजेंट इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम्स, एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे। ये आपको उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया, कश्मीर, नेपाल, वो चीज कम से कम ध्यान में रखिएगा। मोस्ट एंशियंट बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम्स, जो भी एंशियंट बुक्स हैं वो जनरली रिलीजियस चीजों के ऊपर ही है, जैसे कि ऋग्वेद हो गए, पुराण हो गए, ये सारी चीजें। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ हिंदूज इंक्लूड द वेदास, या फिर एपिक्स हो गए, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये हो गए, पुराणास हो गए, ये सारी चीजें, ऑल दीज आर सराउंडेड समहाउ अराउंड द रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के आसपास ही घूम रहे हैं ये सारी चीजें। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ऋग्वेद, दे मे बी असाइन द 1500 to 1000 BCE, ये इसका, लेकिन अभी भी जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमको नहीं पता है कि ऋग्वेद जो है वो बेसिकली कब लिखा गया था, ये हम एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि दिस माइट हैव बीन रिटन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट द कलेक्शंस ऑफ द अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास एंड द उपनिषद्स बिलोंग रफली टू दैट ऑफ द 1000 to 500 BCE। ओके, तो ये जो बाकी जितने वेद हैं, अथर्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास या फिर उपनिषद्स जो है वो 500 से लेकर के 500 BCE के टाइम पीरियड के हैं। ऑलमोस्ट एवरी वैदिक टेक्स्ट कंटेन्स द इंटरपोलेशंस which generally appear at its belong, it belong in eight branches. Okay, almost every Vedic text contains the interpolations which generally appear at its beginning or end and are not rare in its middle. The Rigveda mainly contains the prayers, while the later Vedic texts mainly comprise not only the prayers but also the rituals, magic and the mythological stories. इसमें basically बता रहा है कि Vedas में किस किस type की चीजें हैं। अब जैसे Rigveda की जहां तक बात आ रही है, तो वो basically उसमें बता रहा है कि prayers को लेकर के कैसे prayers है ना, लेकिन later on जो Vedas थे, those were not only letting you know about the prayers but the rituals also which you are supposed to follow, the magic and the mythological stories also attached to that. Okay, mythological stories, ab jaise ki Buddhism mein bhi jataka stories hoti hain. Jataka stories kya hai,
जो कि बुद्धा की पास्ट लाइफ से रिलेटेड है. सो दोज स्टोरीज वर ऑल्सो मेंशन, मतलब वो भी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है ना, वो पुराना वेदास में नहीं बट वो बुद्धिज्म के टेक्स्ट के जो दो एपिक्स की बात होती है. ओके एंड जो पुराण्स हैं ये इनको जनरली कहा जाता है कि वन ये 400 एडी के आसपास जो है इनको कंपाइल किया गया था. 400 एडी के आसपास रामायण महाभारत एंड दी पुराणास वर कंपाइल. ऑफ द एपिक्स द महाभारत इज द ओल्डर इन एज. जो एपिक्स है रामायण एंड महाभारत उसमें कह रहा है कि महाभारत जो है वो ओल्डर है. Right and reflects the state of affairs from the 10th century BCE to that of the 4th century AD. इतना लंबा time period का जो उस time का क्या था ये state से related information आपको मिलेगा. 10th century BCE से दिखा रहा है, यानी 10, 9, 8, 7 and all से लेकर के 4th तक का. तो it's a huge time period. तो इतने time period का information आपको यहाँ से मिलेगा. ओरिजिनली महाभारत जो है इट महाभारत में कितने थे वर्सेस 8800 वर्सेस थे 8800 वर्सेस थे एंड इट वाज कॉल्ड एज द जया संहिता. जया संहिता जो है इसको उस टाइम पीरियड में कहा जाता था. ओके एंड जया संहिता मतलब जया जय 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 करना. तो जय कब करते हैं आप, जब विक्ट्री आप किसी चीज की बोलते हैं. ओके सो इट इज द कलेक्शन ऑफ डीलिंग विद दैट और द कलेक्शन डीलिंग विद द विक्ट्रीज. आपको बुराई पे जो अच्छाई की जो जीत है उस चीज की विक्ट्रीज की वर्स एक तरीके से कलेक्शन है. ओके नाउ दीज वर रेज्ड टू 24,000. पहले जया संहिता बोले जब 8800 वर्सेस थे उसमें और आगे जाकर के एड ऑन कर दिया 24,000 वर्सेस हो गए. तब इसको क्या नाम दिया गया, भारत दिया गया. लेटर ऑन उसमें और वर्सेस ऐड हुए 1,00,000 वर्सेस हो गए, तब इसको जो है महाभारत कहा गया. देखिए जैसे आप क्यों नहीं ऐड कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है आप ऐड कर सकते हैं. महाभारत की जो बेसिक स्टोरी है वो सेम है, उसमें लोग जो है और बना बना करके चीजें ऐड कर देते हैं. जैसे अभी रामायण में भी लेकर के इस चीज को है. हाँ रामायण को है, यस वही चीज उत्तर रामायण, तो वो बाद में एड ऑन किया गया है. तो वैसे महाभारत में भी है. ओके ओरिजिनली 8800 ही वर्सेस है, मतलब कहने का मतलब ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो वही है, लेकिन उसमें और भी जो मसाला पानी सारी चीजें, जैसे आदि पुरुष में है ना कुछ ज्यादा ही मसाला डाल दिया, उतना नहीं डालना था, वो वाली चीज है. तो लेटर ऑन जब इसमें 1,00,000 वर्सेस हो गया तो इट केम टू बी नोन एज द महाभारत या फिर जो है सत सहर्ष संहिता. सत सहर्ष संहिता जो है इसको लेटर ऑन ये नेम दे दिया गया. तो इसमें बेसिकली क्या है, ये नैरेट करता है कि कौरव और पांडवर्स के बीच में किस तरीके से लड़ाई हुई. ओके लोग इस चीज का फन भी बनाते हैं कि इट इज बेसिकली अ लैंड डिस्प्यूट, लेकिन वो लैंड डिस्प्यूट में भी बहुत सारी चीजें जो है वो है. ठीक है तो वो सारी चीजें यहाँ पर है वो महाभारत से रिलेटेड है. नाउ द वैदिक टाइम्स पांडव कॉन्फ्लिक्ट में बिलोंग टू द लेटर वैदिक टाइम्स. ये जो कौरव पांडव कॉन्फ्लिक्ट का बोल रहा है कि हो सकता है कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड का होगा. ओके नाउ कहां the descriptive portion might be used for the post vedic times and the didactic portion generally for the post mauryan and the gupta times. yahan pe jo hai aapko ye itna detail mein halanki janne ki zarurat hai nahi. khair now comes to the let's come to the ramayana. ramayana mein bhi originally 12,000 verses thi but later on usme 24,000 verses ho gaye. to ise isko isme jo hai aur bhi stories लेटर ऑन एड कर दी गई है. ठीक है नाउ एज अ होल द टू टेक्स्ट सीम्स टू हैव बीन कंपोज्ड लेटर ऑन दैट ऑफ द महाभारत. बेसिकली ये रामायण जो है वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसको बाद में किया हो. अब जैसे महाभारत से रिलेटेड एक मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें तो जिसने एक्सकेवेट किया था जो आर्क्योलॉजिस्ट है, तो उस आर्क्योलॉजिस्ट ने कहा कि जब हम लोग एक्सकेवेशन कर रहे थे तो लाक्षाग्रह का,
तो द पीपल दे सराउंडेड दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दे थॉट कि लक्षाग्रह का वैसा कुछ टनल मिलेगा या फिर जो है वैसा कुछ सोने चांदी का कोई चीज मिलेगा या फिर हथियार मिलेगा, जिस तरीके की चीजें पोर्ट्रे करी रहती है सीरियल्स में. बट दे वर रियली वेरी मच डिसअपॉइंटेड व्हेन दे गेट गॉट टू नो कि वो पॉटरीज मिली है, क्ले की जो बनी रहती है वो पॉटरीज मिली है, उस टाइम पीरियड की चीजें मिली है उसी टाइम पीरियड की, लेकिन हमारे दिमाग में जो पोर्ट्रे कर दिया गया है कि इतना ग्रैंड इस टाइप की चीजें थी, वो नहीं मिलने की वजह से लोग जो है काफी सारे डिसअपॉइंटेड हो गए थे. तो ये जो ग्लोरिफिकेशन है इस तरीके से सारी चीजें जो है वो लेटर ऑन एड की है. ओके, नाउ इन पोस्ट वैदिक टाइम्स वी हैव अ लार्ज कॉर्पस ऑफ द रिचुअल लिटरेचर. ओके, कि किस तरीके से जो है हमको नेमिंग करनी है, जैसे कि नाम नामकरण होता है राइट, उसका पूरा रिचुअल होना, या फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम क्या रिचुअल करना है, जब बच्चे पहली बार खाना खाते हैं तो किस टाइप का जो रिचुअल करना है, वो सारे रिचुअल्स लेटर ऑन हमारे जो है वो ऐड होने लगे. बिग पब्लिक सेक्रीफाइसेस मेंट फॉर बिग जो है पब्लिक सेक्रीफाइस होता था जो राजा महाराजा लोग किया करते थे, एंड सब्सटेंस बिलोंगिंग टू द थ्री थ्री ये क्या लिया, हाँ हाँ हायर वर्णास. ओके, मेरे को आई से गड़बड़ लग रही है क्या? टू द थ्री हायर वर्णास जो सैक्रिफाइजेस है वो बेसिकली प्रिंसेस के लिए या फिर जो हायर वर्णास में जो लोग आते हैं उनके लिए, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियाज हो गए, उनके लिए दिस वाज देयर एंड इट वाज लेड डाउन इन दी स्तो, ये क्या है, स्तोता सूत्रास. स्तोता सूत्रास में दी चीज दिया व्हिच प्रोवाइडेड फॉर सेवरल पॉम्पस रॉयल कॉरोनेशन सेरेमनीज, मतलब बेसिकली जो कॉरोनेशन सेरेमनी किस हिसाब से होनी चाहिए, सैक्रिफाइसेस किस हिसाब से होनी चाहिए, ये सारी चीजें. एंड उस वैसे ही डोमेस्टिक रिचुअल्स भी मेंशन है, डोमेस्टिक रिचुअल्स मेंशन है किसमें, गृह सूत्रास में, गृह गृह सूत्रास जो है उसमें मेंशन है, जैसे कि नेमिंग का हो गया, बर्थ का नेम हो गया, सैक्रेड थ्रेड जो जनेऊ धारण करना होता है, वो सारी चीजें, ये सभी फ्यूनरल किस हिसाब से होना चाहिए. मैरिजेस, आजकल की मैरिजेस जो है क्विक मैरिज होती है, पहले ऐसा नहीं होता था, पूरा एलैबोरेट बहुत ही देर की मैरिजेस होती थी, बहुत लंबी मैरिजेस होती थी. अभी तो पंडित जी को बोल दो शॉर्टकट में करने के तो शॉर्टकट कर देंगे, एक पेज मंत्र पढ़ेंगे फिर उसके बाद चौथे पेज पर पे चले जाएंगे, इस हिसाब से होता है, शॉर्टकट मैरिजेस हो जाती है. ठीक है, तो गृह सूत्रास में ये सारी चीजें मेंशन है. ओके, बोथ दी दिस दी स्तोत सूत्रास एंड द गृह सूत्रास दीज बिलोंग टू द 6600 टू 300 BCE, इस टाइम पीरियड में ये सारी सूत्र. और अभी ये देखो कितने सालों पहले की चीज जो है वो हम आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जनेऊ अभी नहीं पहन रहे हैं. ओके, वो भी शादी के टाइम में जो है लोग रिचुअल करते हैं, उसके बाद फिर उसको भी पहनना छोड़ देते हैं, जनेऊ नहीं पहन रहे. सो दोस थिंग्स आर धीरे धीरे जो है वो जा रही है, अभी वो हमारा जो कल्चर था, लेकिन मैरिज में भी जैसे मैंने कहा शॉर्टकट चीजें आ गई हैं, लेकिन वो अभी भी फॉलो हो रही हैं, स्टिल इट इज देयर. ओके, स्टिल इट इज देयर. मेंशन मे आल्सो बी मेड ऑफ द मे आल्सो बी मेड ऑफ द सत्य सूत्रास विच प्रिस्क्राइब वेरियस काइंड ऑफ द मेजरमेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स. जो ऑल्टर्स जो है वो किस हिसाब की बनानी है, मतलब ये हर तरीके की आपको बुक मिल जाएगी कि ज्योमेट्री किस हिसाब से जो है आपको घर बनाना है, किस मतलब ये क्या किस में है, ये वास्तुशास्त्र में. अब ये कामसूत्रास को भी लेकर के, कामसूत्रा की बात करें तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलती है, बट कामसूत्रा इज समथिंग जिसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, उसमें तो वो सिर्फ एक चैप्टर है फिजिकल प्लेजर वाली, लेकिन बाकी सारी चीजें हैं उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज दिया हुआ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट ओनली, बस उसको डिफरेंटली पोर्ट्रे कर दिया गया है राइट. सो दीज आर सूत्रास आर आल्सो लाइक दैट, यहाँ पे अलग अलग सूत्रास हैं, गृह सूत्रास हो गया. ठीक है, द रिलीजियस बुक्स ऑफ द जैनाज एंड द बुद्धिज्म, ये जो बुद्धिस्ट जो रिलीजियस बुक्स हैं जैनाज और बुद्धिस्ट के, यहाँ पे भी दे मेंशन दे रेफर इट टू द हिस्टोरिकल पर्सन एंड द इंसिडेंट्स. The earliest Buddhist texts were written in the Pali language. ये important है. जो earliest texts हैं वो किसमें लिखे हुए हैं? Pali language में लिखे हुए हैं Buddhist texts. Okay. They were finally compiled in the 2nd century BCE. Pali language कहाँ पे बोला जाता था उस time period में? मगध में या फिर जो बिहार का southern part है वहां पे जो है ये Pali language बोला जाता था.
इन द अर्लियर टाइम पीरियड, ठीक है, पाली लैंग्वेज. एंड लेटर ऑन इट वॉज कंपाइल्ड इन द सेकंड सेंचुरी BCE. जब बुद्धा थे तो बुद्धा जो भी चीजें बोलते थे उस टाइम वो चीजें कंपाइल नहीं होती थी, बट लेटर ऑन द फॉलोअर्स हिज शिष्य, जो भी शिष्य शिष्य लोग थे उन्होंने उस चीज को लेटर ऑन कंपाइल करना स्टार्ट किया था. ओके, एंड ही वॉज नॉट इवन इन फेवर ऑफ मेकिंग हिज आइडल्स, जो इनकी मूर्तियां बनाते ना उस चीज में भी वो फेवर नहीं करते थे, बट लेटर ऑन दैट ऑल्सो स्टार्टेड. ओके, ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट हो गई थी. खैर, अभी यहाँ से जो है वी विल बी डूइंग टुमारो. आई कैन सी दैट मैम, अब छोड़ दो, ठीक है. तो लेट मी सी पेज नंबर 6 का लास्ट पार्ट जो है, वैसे 2-3 पेजेस और थे बट इट्स ओके, अभी बहुत लंबा टाइम हो गया है. अभी इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तो आई विल बी बोर्ड, नहीं यू पीपल विल बी बोर्ड. एनी क्वेश्चन, ऑनलाइन पीपल, ऑफलाइन पीपल? हाँ, एनीथिंग? आप लोगों को एनसीईआरटी का ये जो है बुक विद द हाइलाइटेड एंड ऑल आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल, नंबर ले लिया जाएगा, ये लोग बना देंगे आप लोगों का, ठीक है. हाँ जी, पूछिए. हाँ, आप लोग देखते हैं जो कूड़ा उठाते हैं लोग, वो लोग देखते हो आप एक डंडा ले रहते हो, नीचे जो है आयन लगा रहता है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी मेटल इज देयर, तो समथिंग लाइक दैट ओनली मशीन वो यूज करते हैं. आई टोल्ड यू ना कि मशीन से वो स्कैन करेंगे कि इस धरती के नीचे कुछ है भी कि नहीं, तो दे गेट टू नो कि कोई स्टोन है या फिर जो कुछ, स्कैनिंग करने से पता चल जाती है. अगर वो पता चल गया तो उसी हिसाब से वो वहाँ पे जो एक्सकेवेशन करते हैं. पहले ये सारी चीजें अंधेरे में तीर मारने वाली टाइप होती थी, लेकिन अब तो साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, कोई कमेंट नहीं है, यही है. शेयर योर टेलीग्राम चैनल, एक मिनट, व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट वी कैन जॉइन इट इन. ओके, वी विल डू दैट. गोइंग टू कंटिन्यू, एकदम ऊपर करो. मैम, आर वी गोइंग टू कंटिन्यू विद एंशियंट हिस्ट्री और डे वाइज सब्जेक्ट्स? नो 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 नो, वी विल बी कंटिन्यूइंग लाइक दैट ओनली. एंशियंट हिस्ट्री करेंगे पहले कवर, उसके बाद मेडिवल करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे. ओके, कल आपको जो ये कौन सा चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर करना है ना, ये करेंगे, उसके बाद हमारा थर्ड ज्योग्राफिकल वाला है वो नहीं करेंगे, फोर्थ वाला करेंगे, ठीक है. स्टोन एज के साथ वी विल बी डूइंग क्लास 6 एंड क्लास 2 का, दोज वी विल बी डूइंग, ठीक है. चलो, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन लेट मी नो. ओके.